अच्छा ओके ये जी हिम्मत पूरा पेट्रोल यूज करेंगे। अच्छा पेट्रोल अजीज और डिग्री क्या है आपकी? जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग। ओके अच्छा खालिद केमिकल इंजीनियरिंग। अदनान फॉरेस्ट्री। अच्छा ओके इब्राहिम आप भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। अच्छा अच्छा उस्मान बीएस क्या है आपका? जाहिद आपका क्या है? अच्छा दाऊद तो खुश हो। अच्छा लाइव है आप ज़रा चेक कर लें मुझे मुझे फीडबैक दे दें शहजाद। अच्छा जाहिद आपकी तबीयत कैसी है अब? अच्छा चलें शुक्र है। एहसान पॉलिटिकल साइंस एमबीए कहाँ से? अच्छा ये इसको क्या बोलते हैं? आई एम साइंसेस तो उधर है आई एम स्टडीज। ओके अमजद फार्मेसी आई आर कमाल कंप्यूटर साइंस इख्तियार इख्तियार गुल केमिस्ट्री नुमान केमिस्ट्री। अच्छा हमजा बस ये बोर्ड की तरफ कर लें। हाँ हाँ बस ठीक है चलें थैंक यू वेरी मच जी। रफ़ीउल्ला अच्छा डॉक्टर ऑफ फिजियो। अच्छा हबीबुल्ला आई आर नंग्याल लॉ। अच्छा डी वी एम नाम क्या है आपका? मुख्तसिद मुस्तजाब के मुस्तजाब आप तो मेरे स्टूडेंट नहीं रहे। अच्छा अच्छा आप मेरे पास आए थे कभी? हाँ हाँ इसी वजह से प्लीज़ जवेरिया। ओके आप तो मेरी स्टूडेंट रही हैं। महरीन एमफिल केमिस्ट्री साइकोलॉजी। अच्छा नाम बताएं आप? राशिद अहमद मास्टर इन सिविल इंजीनियरिंग। मास्टर्स इन सिविल इंजीनियरिंग। मोहम्मद यासर मास्टर इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। अच्छा अच्छा ओके चलो यू ऑल आर वेलकम। आई एम हैप्पी कि आप में से ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट नहीं हैं बिकॉज मेरे स्टूडेंट्स उनको तो मैं ट्रेन कर चुका हूँ लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं तो उनको प्रॉब्लम हो रहा है सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से पीएमएस के क्योंकि आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सब्जेक्ट सिलेक्शन पीएमएस के हवाले से तो उसके हवाले से मैं आपसे एक एक डिस्कशन हम करेंगे एक लिहाज से ताकि मैं आप लोगों को लॉजिकली कन्वेंस कर सकूं बिकॉज सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से नॉर्मली आप लोग जो हैं वो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं जो आपको लोग बता रहे होते हैं आप उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं यार उसने ये कहा था उसने ये कहा था इस तरह नहीं होता आपने थोड़ा सा अपना जो ब्रेन है अपना विजडम है वो अप्लाई करना होता है ठीक हो गया ना। तो हम उसी मुनासिबत से आज हम बात करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हवाले से पीएमएस का जो आप लोगों का एग्ज़ाम आ रहा है लेकिन पीएमएस का जो आपका एग्ज़ाम आ रहा है थ्योरेटिकली स्पीकिंग के मतलब है कि अगर हम थोड़ा सा देख लें तो आपका पॉसिबल है आपका पीएमएस एग्ज़ाम समवेयर इन अक्टूबर नवंबर टेंटेटिवली स्पीकिंग ठीक हो गया ना कि हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम आ जाए ये जो आपका पीएमएस का एग्ज़ाम है ये आपका आ जाए समवेयर इन मैं तीन महीने प्रॉबेबली आपके जो थ्री मंथ्स हैं इसमें से आपका हो सकता है अक्टूबर नवंबर और दिसंबर इसमें आप लोगों का पीएमएस का एग्ज़ाम जो है वो पॉसिबल है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को जहन में रख लें जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन जब आप करते हैं। अच्छा तो ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर मीन 2021 ठीक हो गया ये आपका 2021। अब आप नेक्स्ट जो आप लोगों का जो सीएसएस का एग्ज़ाम आएगा
वो आप लोगों का आएगा, वो तो मतलब है कि ऑलमोस्ट डिसाइडेड है कि वो एग्ज़ाम होता है फरवरी के अंदर, तो फरवरी 2022 फरवरी 2022 प्लीज़ मशरूम दिल तक गए ना बदल तो बदल चेयर के नहीं शहजाद नूर से शुक्र जी नो अलग ट्रेंड का वाह जब असल तो उधरी की शाह तो नूर स्पेस को निश्चित। अच्छा अब आप देख ले तो ये बड़ा क्रूशल है एक सी एस एस एस्पिरेंट को, मतलब है कि नॉर्मली आप लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, आप कहते हैं यार पीएमएस दे देंगे सी एस एस का देखा जाएगा, हालांकि आप देख लें आप, मैं कहता हूँ कि ये जो आपका 2021 का जो साल है ये एक गोल्डन ईयर है सी एस एस एस्पिरेंट के लिए। मैं थोड़ा सा डिसेंट लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ सी एस एस एस्पिरेंट, अगर मैं थोड़ा सा वो हो जाऊँ तो इसके लिए बेरोज़गारों के लिए बड़ा ज़बरदस्त साल है, गोल्डन ईयर है बेरोज़गारों के लिए, क्योंकि आपके दो तीन एग्ज़ाम्स इसमें आ रहे हैं। यहाँ पे मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि जो मैंने आपसे फीडबैक लिया दो तीन लोग लॉ वाले हैं, लॉ ग्रेजुएट्स हैं, तो उनके लिए इसके दरमियान में मतलब है कि समवेयर आपका लॉ का जो एग्ज़ाम है जुडिशरी का वो भी आ रहा है, ठीक हो गया ना। तो जुडिशरी का एग्ज़ाम हो गया, पीएमएस का एग्ज़ाम हो गया और आपका सीएसएस का एग्ज़ाम हो गया, तो आप देख लें बड़ा क्रूशल एग्ज़ाम है, तो ये सब्जेक्ट सिलेक्शन आपका बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर जब आप इस इन एग्ज़ाम्स के अंदर प्रिपेयर होंगे अपेयर होंगे। अच्छा अब आप देख लें, पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों की जनरल डिबेट करता हूँ फिर मैं आपसे स्पेसिमन लूँगा सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से, लेकिन ये जनरल प्रिंसिपल जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए ये एप्लीकेबल टू ऑल है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि यार किन चीज़ों के ऊपर आप लोगों को सेंसिटाइज हो जाना चाहिए। अच्छा तो ये देख लें, ये मतलब है कि ये इलस्ट्रेशन देख के आप लोगों के जहनों में क्या आ रहा है कि यार ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है, आप बता सकते हैं कि मतलब है कि ये चीज़ किस तरह आपको मजबूर कर सकता है कि हाँ यार सब्जेक्ट सिलेक्शन में आपने बड़ी एहतियात करनी है। वही मसला है, मतलब है कि हमारे टाइम में मतलब 2016 से पहले यूँ था कि आपका सी एस एस का सलेबस और आपका पी एम एस का सलेबस जो था वो एक जैसा था, जो सब्जेक्ट्स आप सी एस एस के लिए लेते थे वही सब्जेक्ट्स आप मतलब है कि आपके पी एम एस के एग्ज़ाम के भी होते थे। अब 2016 के बाद आपका सी एस एस और पी एम एस का जो सलेबस है उसमें थोड़ा बहुत चेंज आ गया है, ख़ासकर जो कैपी का डोमिसाइल होल्डर है उसने सब्जेक्ट सेलेक्ट करते वक्त, मैं पहले पी एम एस इसलिए लेकर रहा हूँ क्योंकि आपका आगे जो पहले एग्ज़ाम आ रहा है वो पी एम एस का आ रहा है और उसके बाद फरवरी 2022 में आप लोगों का सी एस एस का एग्ज़ाम आ रहा है, तो यहाँ पे भाई आप अलर्ट हों कि ये जो आप पी एम एस के अंदर जो सब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे एक्स वाई जी, उन सब्जेक्ट्स का सी एस एस के जो सलेबस है आपका या सी एस एस के जो आपका ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर क्या इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा क्रूशल है, ठीक है ना। मतलब जब आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करेंगे तो जो सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे पी एम एस के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं आपने देखना ही है कि यार इसका इफेक्ट क्या बनेगा फिर आगे जाके आपके सी एस एस के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ऊपर। मैं एक छोटा सा स्पेसिमन आपको दे सकता हूँ, सपोज एक बंदा है कि वो यहाँ पे पी एम एस के लिए जो कैपी का डोमिसाइल होल्डर है, शहजाद काइंडली इसके बाद बाकी को अलाव ना करें, उनको कहें कि वापस में ही बैठ जाएं और यूट्यूब के वहाँ पे वो देख लें वहाँ पे। अच्छा अब आप ये देख लें, मैं जस्ट मैं आपको दे रहा हूँ बाकी हम डिस्कस कर लेंगे। एक बंदा है वो कहता है कि पी एम एस के लिए मैं साइकोलॉजी ले रहा हूँ, साइकोलॉजी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, सपोज साथ में वो कह रहा है कि सर साइकोलॉजी के साथ मैं ले रहा हूँ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी के साथ मैं ले रहा हूँ जर्नलिज्म और जर्नलिज्म के साथ मैं ले रहा हूँ पश्तो,
आप देख लें आपके कितने सब्जेक्ट्स हो गए, कितने मार्क्स के सब्जेक्ट्स हो गए पीएमएस के लिए। साइकोलॉजी आपका 200 का है, और सोशियोलॉजी आपका 100 का, जर्नलिज्म आपका 100 का, पश्तो आपका 100 का, तो ये कितने हो गए 500। चलें मैं यहाँ पे यूएसएसटी भी ऐड कर लेता हूँ ताकि मैं 600 का पैकेज वो कंप्लीट कर लूँ यूएसएसटी, तो ये आपके पूरे हो गए 600। भाई आप तो कह रहे हैं कि हाँ मैं बड़ी ज़बरदस्त तैयारी कर रहा हूँ और आगे जाके मैं पीएमएस के बाद मैं सीएसएस में भी अपेयर हो जाऊँगा, लेकिन आपने सीएसएस का सिलेबस अभी नहीं देखा है, जस्ट मैं ये सपोजिशन ले रहा हूँ। अब आप देख लें, अब ये जो आपका कम्बिनेशन है ये सारा जो आपका 600 कवर कर रहा है यहाँ पर पीएमएस के लिए, ये 600 आपका सीएसएस के अंदर जस्ट 200 मार्क्स कवर कर सकेगा। ब्लंडर है कि नहीं, बहुत बड़ा ब्लंडर आप करेंगे। भाई आपने देखा ही नहीं था कि यार इसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे वहाँ मेरे वहाँ पे सीएसएस के अंदर, क्योंकि आप इस तरह तो कह ही नहीं सकते कि हाँ मैं सिर्फ पीएमएस के ऊपर मेरा फोकस है, सीएसएस के मतलब है कि सीएसएस का देखा जाएगा। क्यों, एक एग्ज़ाम है, एक साल आपका रहता है, आप लोगों का कैरियर है, कैरियर आप लोगों का इन्वॉल्व है इस चीज़ के अंदर, तो उसमें तो आप इतना केयरलेस नहीं रह सकते कि आप कहें कि यार देखा जाएगा, ठीक हो गया ना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आपने क्या करना है, बिकॉज साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जर्नलिज्म, पश्तो, ये चार सब्जेक्ट जो हैं वो वहाँ पे एक ग्रुप में है, और आप उसी ग्रुप में से सिर्फ 100 मार्क्स जो हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो भाई अलर्ट हो जाएं कि ये गलती कहीं आप ना करें, ये वाली गलती, समझे ना मेरी बात, ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। अब करना क्या है, करना मैंने अब ये है कि क्योंकि मुझे पता है कि यार फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मेरा पीएमएस का एग्ज़ाम हो जाएगा, पीएमएस का एग्ज़ाम हो जाएगा, तो शहजाद वली अच्छा मतलब है कि अब क्या है, अब दो सिचुएशन है, जब इस चीज़ पे मैं अलर्ट हो जाता हूँ ना पीएमएस और सीएसएस का, कम से कम पता चल गया, अब दो सिचुएशन बनती है, या आप लोगों के सीएसएस एस्पिरेंट के साइकोलॉजी को तो मैं रीड करता रहता हूँ, लोग कहते हैं यार देखा जाएगा, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पीएमएस के लिए सब्जेक्ट जो है वो डिसाइड कर लेता हूँ और वहाँ पे फिर सीएसएस के अंदर देखा जाएगा, एक एडिशनल सब्जेक्ट अगर मुझे वहाँ पे पढ़ना पड़े तो वो मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक हो गया ना। सपोज़ इस तरह हो गया कि आप यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं ए बी सी डी ई, जो आपके 600 मार्क्स कवर कर रहा है, ठीक हो गया। वहाँ पे आपका क्या बना, वहाँ पे आपका ए आपका रिटेन हो गया, बी आपका रिटेन हो गया, सी आपका रिटेन हो गया, डी आपका रिटेन हो गया, ई आप इस सिलेबस के चेंज की वजह से नहीं कर सकते, वहाँ पे आपका एफ हो गया कि वहाँ पे चलें सीएसएस के अंदर मुझे एक एडिशनल सब्जेक्ट अगर पढ़ना पड़े तो मैं मैनेज कर लेता हूँ, मैं मैनेज कर जाऊँगा। लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मैं आपको बताऊँ ये बात, इतनी आसानी के साथ ये फैसला आप ना करें, क्योंकि वहाँ पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फरवरी के दरमियान सिर्फ 2-3 महीने आपके पास, तो उन 2-3 महीनों में आपका टेंशन ये है सीएसएस के अंदर, अभी तो आप लोगों को शायद मेथोडोलॉजी का इतना पता ही नहीं है, वहाँ पे आपके पास इतना प्रेशर बढ़ जाता है, 12 सब्जेक्ट्स जो आपने पूरा साल पढ़ा हुआ होता है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, कि मतलब है कि एक नया सब्जेक्ट उन 3 महीनों में अगर आप लेके आएंगे तो उसको आप उस लेवल तक प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे कि आप कंपीट करें उन लोगों को, क्योंकि मतलब है कि जिस तरह की तकरीर में आज आपको कर रहा हूँ इसी तरह की तकरीरें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने आपसे आगे जो स्टूडेंट्स हैं उसने सुनी होंगी, कहीं ना कहीं पे उनको बताया गया होगा या खुद मतलब है कि उनको पता चल गया है कि यार सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है वो बड़ा क्रूशल है सब्जेक्ट सिलेक्शन। तो मतलब है कि मैं लोगों को कहता हूँ कि आप उस स्टूडेंट को आप कैसे कम्पीट करेंगे जिसके सीएसएस के अंदर और पीएमएस के अंदर वही सब्जेक्ट्स हैं और वो 1 साल से 2 साल से वही सब्जेक्ट्स पढ़ते आ रहे हैं। तो मतलब है कि आप जो आसानी से फैसला कर लेते हैं कि यार देखा जाएगा, वो सीएसएस के अंदर मैं 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट्स एडिशनल जो है वो मैं पढ़ सकूंगा, वो पढ़ लूँगा, प्रैक्टिकली उसका इम्पैक्ट बड़ा ख़तरनाक होता है, क्योंकि
पढ़ तो आप लेंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक बंदा उसको पढ़ लेगा, लेकिन CSS और PMS के अंदर ये तो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, ये तो कोई एकेडमिक एग्ज़ाम नहीं है। मतलब है कि आपका मुकाबला तो उस बंदे के साथ है, वो अगर आपसे 5, 10, 15 मार्क्स ज़्यादा आप ले जाता है तो आप तो पीछे रह गए, ठीक हो गया ना। तो इस लिहाज से आप जो आप आगे से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप डिसाइड करेंगे तो उसमें से आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आगे से आपका CSS है, उस CSS के बाद कोई और PMS का एग्ज़ाम आएगा, उसके बाद फिर दोबारा CSS का एग्ज़ाम आएगा, एंड यू पीपल कैन नॉट कीप ऑन चेंजिंग योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ये बड़ा ख़तरनाक है, ये बड़ा डिट्रीमेंटल है कि आप लोग कहें कि यार आज मैं ये सब्जेक्ट ले रहा हूँ, कल मैं वो सब्जेक्ट्स में ले रहा हूँ। नहीं, उसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है, उसमें फिर मतलब है कि कम्पीट आप नहीं कर सकते उन लोगों को, जिसको हम मतलब है कि नॉर्मल जागन्स में कहते हैं कि यार ये बंदा गागड़ है इस मैदान में 2 साल से 3 साल से, क्योंकि आपके पास आपके साथ इस कमिंग PMS में तो वो बंदे भी बैठेगा जिसने लास्ट 2018 के PMS में 700 स्कोर किया था, लेकिन 5-10 नंबर की वजह से उसका मतलब है कि एलोकेशन ना हो सका। भाई किस तरह कम्पीट करना है, इतना ब्लंडर भी आप करेंगे तो फिर तो आप बड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये चीज़ आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में ये चीज़ जहन में रखनी है। क्लियर हो गया इस पॉइंट पे? अच्छा, इस पॉइंट पे वो आप लोगों के ऑप्शंस तो मैं डिस्कस करूँगा, इस पॉइंट पे अगर आप लोगों को कोई क्लैरिटी चाहिए तो प्लीज़ डू आस्क, रेज योर हैंड, मैं आपको अलाउ करूँगा कि आप सवाल करें। जी प्लीज़। मैं कहता हूं कि हाँ, आप कोशिश करें कि आप मतलब है कि आपके जो CSS आप PMS के जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे वही आपके CSS के लिए भी वही सब्जेक्ट्स हों, कम से कम कोशिश आप करें, क्योंकि बाज़ अवकात ये होता है कि CSS आप लोगों ने मसला एक CSS मैं बहुत ज़्यादा टफ टाइम देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को जो यहाँ पे हॉल में बैठे हैं, वो आपको बता सकेंगे कि मैं मतलब है कि ऐसा नहीं हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट आ गया और उसको मैंने कहा कि भाई आप ये सब्जेक्ट ले लें। नहीं यार, मुझे क्या पता, मुझे आपके एकेडमिक बैकग्राउंड का नहीं पता, मुझे आपके इंटरेस्ट का नहीं पता, मुझे आपके कमिटमेंट के लेवल का नहीं पता, तो मैं कैसे आपको बताऊँ कि आपका ये बैकग्राउंड है तो आप ये सब्जेक्ट ले लें। नहीं, आपने खुद सिलेबस को देखना होता है और फिर टैली करना होता है दोनों सिलेबस को, जो आपका CSS का सिलेबस है, जो आपका PMS का सिलेबस है। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि भाई आप सिलेबस देख लें। सिलेबस देखने का मतलब ये है कि एक तो आप ग्रुप्स देख लें, नंबर वन। जब मैं कहता हूँ सिलेबस आप देख लें तो उससे मेरी मुराद ये 2-3 चीज़ें होती हैं। नंबर वन, भाई आप सिलेबस के ग्रुप्स देख लें, मतलब है कि जो सिलेबस के अंदर ग्रुप्स बने हुए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। नंबर टू, मैं कहता हूँ कि भाई अब आप जो सब्जेक्ट्स आपका जहन बन रहे हैं कि शायद ये मैं पढ़ सकता हूँ, ये मैं ले रहा हूँ ये सब्जेक्ट, उसके कंटेंट्स ज़रा अंदर जाके देख लें कि उस सब्जेक्ट के अंदर है क्या। तो जब आप कंटेंट्स देखते हैं तो आपको मतलब है कि तसल्ली हो जाती है कि हाँ यार ये तो अंडरस्टैंडेबल है, ये तो रीडेबल है, ये तो हो सकता है, आप फैसला कर लें, ठीक हो गया ना। फिर आप ऐसा करें कि आप गूगल में जाएं और उस सब्जेक्ट के ऊपर सवाल कैसे आते हैं, ठीक हो गया ना। मतलब है कि आप मुस्लिम लॉ को अगर आप देख लें तो मुस्लिम लॉ के जब आप कंटेंट्स देखते हैं तो बड़ी आसान आपको लग रहा होता है, हाँ यहाँ पे तो इज्तिहाद है, इज्तिहाद है, यहाँ पे तो शायद मैरिज है, यहाँ पे तो शायद डिवोर्स है, तो वो चीज़ें आसान लगती हैं। लेकिन जब आप पास्ट पेपर्स देखते हैं तो पास्ट पेपर्स उसके ऊपर बड़े अप्लाइड क्वेश्चंस आए हुए होते हैं। तो वो जो जिस बुनियाद पे आपने फैसला किया था कि भाई कंटेंट्स अच्छे हैं CSS सिलेबस के अंदर या PMS के अंदर, इस बुनियाद पे मैं सब्जेक्ट्स ले रहा हूँ, वो वहाँ पे आपको डॉच कर सकता है, क्योंकि आपने पहले इसके ऊपर होमवर्क नहीं किया था कि यार सब्जेक्ट्स यहाँ पे तो कंटेंट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, पता नहीं इसके ऊपर सवाल कैसे आएंगे। तो बात मैं आपसे सवाल के जवाब में ये कनेक्ट करूँ कि CSS एस्पिरेंट जो है, ये एक लफ्ज़ यूज़ होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट, ये होता है ना कि यार ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पर ये माइक मैंने लगवाना था, ये कैमरा मैंने लगवाना था, क्योंकि मैंने अनाउंस किया था कि यार हाँ मैं इसके ऊपर आप लोगों को एक लेक्चर दूंगा, और जब टाइम आ गया 5 बजे और यहाँ पे मैं मेरे पास जो बंदे हैं जो PN है, मैं गुस्सा उसके ऊपर करूँ कि यार ये तो आपका ये तो आपने करना था, जिसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हवाले से CSS एस्पिरेंट जो होता है, जो PMS एस्पिरेंट होता है, वो इसी चीज़ का शिकार होता है।
वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिप का विक्टिम बन जाता है। वो दूसरे को कह देता है कि यार आप मेरे लिए फैसला करें कि यार मैं क्या करूं। तो एट द एंड ऑफ द डे तो एग्ज़ाम के अंदर आप लोगों ने बैठना होता है। तो मतलब मैं ये कहता हूं कि आपने सिलेबस को जानना होता है, पास्ट पेपर्स देखने होते हैं, फिर आप किसी टीचर के पास जाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप खुद ही फैसला करें, लेकिन आप सिलेबस देखें, टॉकिंग पॉइंट्स बनाएं कि यार मैं ये सब्जेक्ट ले रहा हूँ उसकी वजह ये है, मैं ये सब्जेक्ट ले रहा हूँ उसकी वजह ये है, इसके मुकाबले में सर ये सब्जेक्ट भी है लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर ये प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे मतलब है कि आपका टीचर इंटरवेंशन कर सकता है कि अब आप आपके पास रीजंस हैं तो ये रीज़न जो आपके पास है आप चूंकि प्रोसेस से नहीं गुजरी है, आपको पता नहीं है, तो ये टॉकिंग पॉइंट्स जो हैं आपके ठीक हैं, आप ये सब्जेक्ट ले लें। ये टॉकिंग पॉइंट्स आपको अंदाज़ा नहीं है, ये गलत हो सकते हैं, तो इनकी बिना पर आप ये सब्जेक्ट ना लें। सो यू विल हैव टू वर्क ऑन रीडिंग योर सिलेबस एंड पास्ट पेपर्स एंड कम टू दिस कंक्लूजन। आपने इस कंक्लूजन तक पहुंचना है कि हाँ आपके पास ये टॉकिंग पॉइंट्स अवेलेबल हो। आइडियली स्पीकिंग कि मतलब है कि आपके पीएमएस और सीएसएस के जो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब है कि अगर आप ये कहें ना कि सर ये ज़रूरी नहीं है, आप मतलब है आपका नाम क्या है, आयशा, आयशा अगर कहती हैं ये ज़रूरी नहीं है जो आपका सवाल है, मतलब है कि शायद आपका ये मतलब ना हो लेकिन चले मैं ये मतलब ले लेता हूँ कि शायद आपका मतलब ये है कि सर ये तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब है कि आपके सीएसएस और पीएमएस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक जैसे हों। आप देख लें वहाँ पे सिचुएशन तो फिर ये होगी, फिर आप उस चीज़ को संभाल लें। वो जो डैमेज आपको आएगा कि हाँ अगर आपने वहाँ पर पीएमएस के लिए अलग सब्जेक्ट लिए थे और सीएसएस के लिए आप अलग हैं तो आप उसको कैसे मैनेज कर लेंगे। तो अगर आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ जा रहे हैं तो उस चीज़ को अभी से रियलाइज़ करें कि उसको आपने किस तरह मैनेज करना है, क्योंकि वो तो आपने ही मैनेज करना है, मैंने तो नहीं मैनेज करना। वही मैं आपको कह रहा हूँ कि मैनेज आप लोगों ने करना है। सपोज अगर मैंने ये करना है कि आइडियली मैं नहीं ले रहा, एक एडिशनल सब्जेक्ट मेरा बन जाएगा वहाँ पे सीएसएस के अंदर, व्हाट आई कॉल एफ इन दिस इलस्ट्रेशन, ये आपके एडिशनल सब्जेक्ट है, ठीक हो गया ना, ये आपके एडिशनल सब्जेक्ट है। तो अब आप यू आर इन जनवरी, जनवरी 2021, आपके पास अब दो रास्ते हैं। मैं सपोज ये कर लेता हूँ कि दिसंबर में आपका पीएमएस का एग्ज़ाम होगा, अब आपके पास दो रास्ते हैं, और आगे जाके फरवरी 2022 में आपके सीएसएस का एग्ज़ाम होगा। या तो आप यूं करें कि ए टू एफ सब्जेक्ट्स आप चलाएं साथ साथ, जब आपका दिसंबर आ गया इफ को आप हटाएं, आप एग्ज़ाम में अपेयर हो जाएं, और यहाँ पे फिर आप दोबारा इफ को आप इंक्लूड करके जाएं, आप अपेयर हो जाएं इस तरह, ये आपको हो सकता है। या आपको ये हो सकता है कि नहीं मैं यहाँ पे ए टू ई कर लेता हूँ, ए टू ई ये इफ मैं यहाँ पे फिर मैनेज कर लूँगा। लेकिन अभी से आपने क्लैरिटी लानी है अपनी स्ट्रेटजी में, सब्जेक्ट के वॉल्यूम को देखना है, सिलेबस को देखना है, आया वो दो महीनों में वो मैनेज हो पाएगा, वो आप कर सकेगी, मतलब है कि ये तो अभी से आपने फैसला करना है, वहाँ पे तो आपने नहीं छोड़ना, फिर तो मतलब है कि बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। हो सकता है कि आपको जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है पीएमएस के लिए, यू ऑल आर मोस्ट ऑफ द टाइम यू ऑल आर बिगिनर्स, अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में इशू है तो मैं तो प्रिज्यूम यही कर रहा हूँ कि यू ऑल आर बिगिनर्स, तो मतलब है कि एक बिगिनर को अब तो अंदाज़ा नहीं है। वो तो हो सकता है कि जब वो पीएमएस का एग्ज़ाम दे दे और उसने सब्जेक्ट को उसने फैसला किया था कि पीएमएस के एग्ज़ाम के बाद मैंने ये मैनेज करना है, उसने किताब उठाया, उसको अंदाज़ा हो गया कि ये तो मैनेज नहीं हो सकता, तो फिर आप क्या कर लेते हैं, आप मतलब है कि फिर फैसला कर लेते हैं यार इस सीएसएस एग्ज़ाम में मैंने नहीं बैठना, तो वो वाला बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है फिर। तो ये अभी से आपने फैसला करना है आयशा कि क्या जो आपका एक डिफरेंट सब्जेक्ट आ रहे हैं सीएसएस में, वो क्या आपने इस स्ट्रेटजी में जनवरी टू दिसंबर जो आपकी पीएमएस की तैयारी है क्या आपने उसमें एडजस्ट करना है, या क्या आपने उस दिसंबर टू फरवरी वाले उसमें आपने एडजस्ट करना है। और जो हमारा स्ट्रक्चर होगा सीएसएस का, उसका मेन गोल सी
होता है वो अपने इसको एस वाले के सफाई को ब्रेक कर दे इस पर पूरी टीम है से लेकर इस केस के बारे तो आपकी मर्जी है मैंने मैं टीचर हूँ मैं प्रोसेस से गुजरा हूँ मैंने आपको अलर्ट करना है सेंसिटाइज करना है कि यार ये होगा इसको आप इजी ना लें बाकी आपकी मर्जी है आप अभी से मैनेज कर लें आप बाद में मैनेज कर लें लेकिन हो सकता है कि आप पहले एफ को मैनेज करके आपका पहला एग्ज़ाम पी एम एस का आ रहा है तो उसको वो इफेक्ट ना हो जाए मतलब एफ आप कह रही हैं कि मैंने पहले एफ को करना है तो ए टू ई में आपने पी एम एस में अपेयर होना है तो मतलब है कि ये पहला तो मेरा कंसर्न तो ए टू ई होगा कि भाई मैं ये सब्जेक्ट्स पहले करूँ क्योंकि पहला जो मेरा टाकरा है वो तो पी एम एस का है उसको तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते अभी वो पॉइंट डिस्कस नहीं कर रहे हैं उसको उसके ऊपर नहीं आ रहे हैं हम मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ उसमें से तो सब्जेक्ट्स क्या क्या लेने हैं उसके ऊपर मैं अभी इस पर से मनोटाऊँगा आप में से फिर वो डिस्कस कर लेंगे लेकिन यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि स्ट्रेटजी आपकी अपनी होगी मतलब इसके अलावा कोई और स्ट्रेटजी तो नहीं हो सकती कि क्या हाँ हो सकती है क्या या तो ये हो सकता है ना या तो ये हो सकता है कि भाई आप जनवरी टू दिसंबर जो आपकी प्रिपरेशन मेथडोलॉजी है उसमें वो सब्जेक्ट भी आप इंक्लूड कर लें जो आपका सी एस एस में एक एडिशनल आपने पढ़ना है या आप ये कहें कि उसको आप इग्नोर करें कि नहीं एफ को मैंने नहीं पढ़ना मैं उसको वो जो पी एम एस के एग्ज़ाम के बाद जो ब्रेक आएगा उसमें से वो मैं कवर कर लूँगा फैसला इसके अलावा तो और कोई स्ट्रेटजी नहीं है अगर है तो आप लोग मुझे बताएं मेरे साथ शेयर करें है कोई इस तरह और तो कोई नहीं है प्रैक्टिकली स्पीकिंग दावे तो कोर्स कुछ भी किया जा सकते हैं लेकिन आप लोग मुझे नहीं जानते मैं सी एस एस के हवाले से बड़ा मेरा प्रैक्टिकल अप्रोच होता है मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि मतलब है कि इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन तो नहीं है इसके हवाले से अच्छा प्लीज़ अच्छा चलें आप पहला नहीं स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे ना आ जाएं पहले हम इस इशू को टैकल कर लेते हैं पहला सवाल आपका रेलेवेंट है कि आप कहें पहला सवाल आपका ये है कि वो लोग मतलब है कि क्या करें जो कि ये कहते हैं कि सर मैंने सिर्फ पी एम एस एग्ज़ाम देना है सी एस एस मैंने नहीं देना तो भाई सी एस एस बाढ़ में जाए सी एस एस के फिर आपने क्या करना है फिर तो मतलब है कि आपने स्पेसिफिकली आपने सिर्फ पी एम एस के सिलेबस को देखना है तो उसमें वो सब्जेक्ट्स भी चल सकते हैं जो अभी मैंने आपको गिनवाया था जो पी एम एस के अंदर मैंने आपको मतलब है कि अभी बताया था आप साइकोलॉजी ले लें आप सोशोलॉजी ले लें आप जर्नलिज्म ले लें आप पश्तो ले लें अगर आप सिर्फ पी एम एस देना चाहते हैं तो वो मतलब है कि फिर आप सी एस एस को दरमियान में ना लेके आए ठीक हो गया ना लेकिन मैं अगर आपका गाइड हूँ ना यहाँ पर मैं आपका टीचर हूँ और आप मतलब है कि मेरे सामने आते हैं और आप कहते हैं कि मैंने सी एस एस देना ही नहीं है तो भाई आप मुझे कन्विंस करें सी एस एस क्यों नहीं देना क्या आपके पास कोई श्योरिटी है कि आप पी एम एस कर जाएंगे क्या आपके पास कोई रोज़गार है नहीं यार अपॉर्चुनिटीज आपने तो हर एक नो डोर को नॉक करना है क्या बताओ पी एम एस के एग्ज़ाम आप ये फैसला कर लें कि यार सी एस एस मैंने देना ही नहीं है मैंने सिर्फ पी एम एस देना है तो पी एम एस के एग्ज़ाम के ऐसे किरात को आपको बुखार चढ़ जाए और पी एम एस भी आपकी ना रहा वहाँ पे आपकी सी एस एस के लिए भी आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है तो मतलब यू विल हैव टू बी प्रैक्टिकल क्या क्यों ऐसा हो और मतलब है कि एक पूरे साल तो आपने पढ़ना तो है जनवरी टू दिसंबर तो आपने पढ़ना तो है तो आपकी स्कीम में सी एस एस क्यों इंक्लूडेड ना हो मतलब है कि मेरे पास तो आप मुझे कन्विंस करें कि सर मेरे पास ये रीज़न है तो बेशक आप करें लेकिन मैं तो आपको अलाव नहीं करूँगा मैं तो आपको ज़रूर कहूँगा कि भाई आप अपने स्कीम में सी एस एस बिटा लें उसको रख लें अपने स्कीम में मतलब है कि प्रॉब्लम इतना ही है ना कि सिलेबस को पढ़ के आपने मतलब है कि एक जैसे सब्जेक्ट्स आपने निकालने हैं नंबर वन यही प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर टू ये है कि अगर आपको कोई एक सब्जेक्ट एडिशनल आ रहा है सी एस एस के अंदर तो उसको अभी से अपनी स्ट्रेटजी का हिस्सा बना लें इतना ही प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम के मैनेजमेंट में मैनेजमेंट की वजह से या मिस मैनेजमेंट की वजह से अगर आप कह रहे हैं कि मैंने सी एस एस नहीं देना तो मैं कहूँगा कि यार ये कोई रैशनल और कोई प्रूडेंट डिसीजन नहीं है क्लियर हो गया कि नहीं अगर क्लियर नहीं है तो आप दोबारा पूछें अच्छा प्लीज़
नहीं तो ये आप कैसा आप समझ सकते हैं कि उसका यही मतलब है? वो आपका मसला हो सकता है, उसका नहीं है। हाँ अगर इस तरह कोई इशू है, एक्सेप्शनल इशू, तो मतलब है कि सीएसएस के लिए आपको प्रॉब्लम है या सीएसएस के आपके अटेम्प्ट्स एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, तो फिर तो वही आप भूल जाएं, फिर सीएसएस को, फिर आप सिर्फ पीएमएस के ऊपर फोकस करें, देन यू आर राइट। जी प्लीज। आपका नाम क्या है? अच्छा ये 600 और 400 वाला आप दोबारा पूछे। इस बात पे वो करे, फोकस करे कि हमें एक जैसे सब्जेक्ट्स रखें, सो मे बी इसमें हम चॉइसेस भी कर सकते हैं, या ये भी करे वो भी करे, ठीक है, तो व्हाई नॉट हम ऐसा करें कि हम सीएसएस में हम 400 को कवर कर रहे हैं, पीएमएस के हमारे ऑप्शंस जो हैं, हां ये वाला जो है, लेकिन वो मतलब पीएमएस का वो ऑप्शनल 600 है, लेकिन वो सीएसएस में 300 400 है, सो डोंट यू थिंक दैट वुड बी ओके? तो वही बात तो हम डिस्कस कर रहे हैं, वही तो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो मैं आपको एफ का कह रहा हूँ ये वही 400 है आपके, कि मतलब है कि ये आप देख लें आपके वहाँ पे जो ए बी सी डी ई ये आपका पी एम एस के अंदर है, तो उसमें से डी आपने चूज़ कर लिए, ई आप नहीं ले रही, ये ई वही प्रॉब्लम है जो आप कह रही हैं, और उसको सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ उसका सोल्यूशन आपके पास यही है। हाँ आप जो पहली बात आप कर रही हैं वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बात आपने की है, जो महरीन ने की है वो ये है कि जब मैं आपको ये कहता हूँ ना, ये बड़ा पजलिंग है, और मैं यहाँ पे अपने क्लासेस में मेथडोलॉजी के क्लासेस में सीएसएस को 10 इश्यूज से समझाता हूँ लोगों को, और उसमें सबसे जो बड़ी इशू मैं रखता हूँ वो मैं रखता हूँ सब्जेक्ट सिलेक्शन का, कि सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है अभी मैंने आपको बताया ना कि वो आपने डाइवोर्स किया हुआ होता है कि हाँ कोई और आपके लिए फैसला कर लें इतनी आसानी के साथ, देखोगे ना यहाँ पे तो मेरे पास लोग आते हैं कि हाँ मैं उसके पास गया, उसने कहा कि आप ये ले लें, आप ये ले लें, आप ये ले लें, वो तो मजाक है, मैं तो नहीं करता, और मैं टफ टाइम इसलिए देता हूँ कि भाई इसके ऊपर एक सीएसएस एस्पिरेंट का पूरा करियर इन्वॉल्व होता है, डिपेंड करता है, तो ये मैं कैसे, इस तरह बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप मेरे पास आते हैं कि हाँ सर आप मुझे समझाएं और मैं इतनी आसानी के साथ फैसले करूँ, या शायद मैं उस वक्त थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड, आई एम एग्जॉस्टेड, और मैं आपको कहूँ कि हाँ आप ये ले लें, आप ये ले लें, तो मैंने बड़ी ज़्यादती की आपको, आपके साथ बड़ा इनजस्टिस किया, इसी वजह से मैं लोगों को कहता हूँ कि भाई सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू होता है एक सीएसएस एस्पिरेंट के लिए। वजह क्या है? वजह ये है, मैं यहाँ पर लोगों को कहता हूँ कि यार ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ये आपके एकेडमिक एग्ज़ाम्स से जो आपके यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स हैं, रूटीन के एग्ज़ाम्स, ये उससे बहुत ज़्यादा अलग है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का नेचर ये है कि यहाँ पे ये बात शायद इतना बड़ा फैक्टर नहीं है कि यार यहाँ पे वो बंदा बड़ा लायक है, वो बंदा बड़ा काबिल है, सॉरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो मतलब है कि एक बेंचमार्क तो होता है कि हाँ उस लेवल को आपने टच करना है, जो इंटेलिजेंस का हो सकता है, वो विजडम का हो सकता है, वो तो आपका एक कॉमन एक जनरल सा होता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द एग्ज़ाम जो है ना वो आपने स्किल्स एक्वायर करने होते हैं, स्किल्स आपने एक्वायर करने, हाउ टू मेक स्कोर, स्कोर किस तरह करना है। आपको जो पूरा सीएसएस एग्ज़ाम है, मैं यहाँ पर लोगों को कहता हूँ कि आपका जो पूरा सीएसएस एग्ज़ाम है, जो पीएमएस एग्ज़ाम है, वो आपका डिपेंड करता है यहाँ पे, ये अगर आपका पीएमएस का डीएमसी है और ये अगर आपकी सीएसएस की डीएमसी है, इट डिपेंड्स ऑन दिस टोटल। कुछ भी कर ले आप, कहीं से स्किल्स लेके आए कि भाई इसको कैसे आपने एनरिच कराना है इस टोटल को, ये जो बॉक्स है, और यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का नेचर होता है कि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मैं लोगों से पूछता हूँ कि आप बताएं कि यार सीएसएस के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर हम कहते हैं कि यार यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो लोग कहते हैं कंपटीशन इसलिए ज़्यादा है कि सीटें कम हैं, लोग सीटें कम हैं, लोग ज़्यादा हैं, एग्ज़ाम के अंदर लोग ज़्यादा बैठते हैं,
मैं कहता हूँ नहीं, सीएस इसके अंदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम इसलिए क्योंकि ये आपके ट्रैक को, आपके अप्रोच को ये चेंज करता है। अगर मैं ये कहता हूँ कि हाँ सीट्स कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो हो सकता है आपका अप्रोच डिफरेंट हो, ठीक हो गया ना। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सी एस एस के अंदर कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटिशन का जो नेचर है वो ये होता है कि भाई यहाँ पे लोग आपसे स्कोर ज़्यादा करते हैं, उनके डीएमसी का टोटल आपसे ज़्यादा होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का ये है। तो अगर, और आपको पता है ये जो नेचर मैं आपको बता रहा हूँ ना कि लोग आपसे स्कोर ज़्यादा करते हैं, ये उन लोगों के दरमियान होता है जिन्होंने सब्जेक्ट सिलेक्शन में कोई गलती नहीं की हुई होती। बात को आप समझ लें प्लीज़, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि लोगों के दरमियान कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मतलब है कि आप, मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि आपका जो 2021 का जो पीएमएस एग्ज़ाम आएगा इसमें सपोज 20 लोग जो हैं बड़े मुकाबले के बैठे हुए हैं, 20 लोग, 20 लोग, और इन 20 लोगों में से 10 लोगों ने आगे जाके सेलेक्ट होना होता है, ठीक हो गया ना। तो ये जो 10 लोग हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने सब्जेक्ट सिलेक्शन में कोई गलती नहीं की थी, तभी इस एग्जाम के अंदर इतनी कंपटीशन है। लेकिन अगर आप पहली फुर्सत में सब्जेक्ट सिलेक्शन में ही गलती कर लें तो ये प्रॉब्लम क्या होगा भाई, आप अपने कॉम्पिटिटर को डबल एडवांटेज दे रहे हैं, आप कंपटीशन से फिर आउट हैं, कंपटीशन से फिर आप आउट हैं अगर आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन में ही गलती कर ली। और सब्जेक्ट सिलेक्शन में आप गलती शायद यही कर रहे होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो महरीन का जो इशू है वो बिल्कुल ठीक है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आप इक्वल करें, आप ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स लेके आएँ पीएमएस और सीएसएस का, तो मतलब है कि अगर वो ओवरलैपिंग आपके टोटल ऑफ डीएमसी को अफेक्ट कर रहा है, देखो ये ना आपको कहा है कि यार ये तो मैं फिर मैं मैनेज नहीं कर हो सकता, ये तो मेरा वहाँ पे हो सकता है, देन यू आर राइट, फिर आप एक एडिशनल सब्जेक्ट यहाँ पे रख लें, एक एडिशनल सब्जेक्ट फिर आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन उस एडिशनल सब्जेक्ट के लिए आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अभी से, यू मस्ट बी क्लियर। आप ये ना कहें कि यार देखा जाएगा, नहीं, आप डिस्कस करें अपने टीचर के साथ, अभी से प्लान बनाएं अपने स्टडी टेबल के ऊपर, आप प्लान बनाएं, हाँ यार ये कैसे होगा, ये किस तरह होगा, आप मतलब है कि बैठ के प्लान करें इस चीज़ को, ठीक हो क्या। अच्छा कोई और इशू इस हवाले से नहीं है आपका, है कोई इशू, यू आर एहसान। अच्छा आप पूछ सकते हैं, कोई भी इशू आप पूछ सकते हैं, अगर प्री मैच्योर है कि जो बाद में मैंने डिस्कस करनी है वो बात, तो मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़ा सा वेट करें जैसे उसको मैंने कहा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई कंफ्यूजन का शिकार हैं सो यू कैन आस्क, तो सब आया लगा क्लियर है। अच्छा प्लीज, एक सब्जेक्ट के ऊपर अब बात ना करें, आपका नाम क्या है, रिफ्यूल हाउस के ऊपर अब बाद में बात करेंगे। अच्छा ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट सिलेक्शन इस प्रोसेस में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर कोई इग्नोर कर रहा है तो ठीक है, इसमें इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है जो वो बता रहा था कि सर मैंने तो सीएसएस का एग्ज़ाम देना ही नहीं है, फिर आप सीएसएस के एग्ज़ाम को गोली मारें, फिर आप बिल्कुल होल हार्टेडली फिर आप पीएमएस के ऊपर फोकस हो जाएं, इस तरह सिचुएशन भी हो सकती है कि हाँ यार बस मैंने देना ही नहीं है, मैंने देना ही नहीं है सीएसएस, तो फिर आप ना दें, फिर आप मतलब है कि एक ज़बरदस्त कस्म का आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लेके आएँ पीएमएस के अंदर और आप सीएसएस को भूल जाएं। लेकिन ये तो साथ साथ में मैं आपको बता रहा हूँ कि एक साल है, तो एक साल में बंदा ऐसा कोई वाइज स्ट्रैटेजी क्यों अडॉप्ट नहीं करता जो कि आपके एक ही प्रोसेस में आपके दो तीन एग्ज़ाम जो हैं वो आपके ऑलरेडी हो जाएं। क्योंकि मसला क्या होता है, एक चीज़ जो अपने स्टूडेंट्स को मैं अक्सर बता रहा होता हूँ, इससे शायद आप लोग थोड़े से और भी सेंसिटाइज हो जाएं, वो मैं ये समझाता हूँ कि इतनी आसानी के साथ जो आप लोग कहते हैं ना कि यार ये एग्ज़ाम मैं नहीं दूँगा, मतलब यू आर इन जनवरी, यू आर इन दिसंबर, और समटाइम्स लोग डिसाइड करो यार ये आने वाला पीएमएस में नहीं दे रहा, ये मैं नेक्स्ट दे दूंगा, अच्छा या ये आने वाला सीएसएस में नहीं दे रहा,
ये मैं नेक्स्ट जो है 2023-2024 वो मैं दे दूंगा। उसमें प्रॉब्लम क्या होता है आपको पता है? उसमें प्रॉब्लम ये होता है अब क्या, अभी जो आपका CSS 2021 जो हो रहा है, 2021 ये फरवरी में आपका रिटन एग्जाम है, फरवरी के अंदर ये आपका रिटन एग्जाम है फरवरी के अंदर, ठीक हो गया ना? अच्छा, इसका इस रिटन एग्जाम का जो रिजल्ट है, रिटन एग्जाम का रिजल्ट वो कब आएगा? इस रिटन एग्जाम का रिजल्ट आएगा समवेयर इन सितंबर अक्टूबर 2021, सितंबर अक्टूबर 2021 ये उसमें आएगा। इसका जो इंटरव्यू का जो रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा समवेयर इन जून 2022, आप देख लें जून 2022, जून 2022 में आप जब एकेडमी जाएंगे सी से जाएंगे तो आप यू विल बी गोइंग समवेयर इन दिसंबर 2022 ऑलमोस्ट जनवरी 2023, और आप 2 साल की ट्रेनिंग आप ऐड कर लें तो आप तसव्वुर कर लें कि ये जो लोग हैं ये अगर फील्ड में आएंगे सो दैट विल बी कमिंग समवेयर जनवरी 2025, जो लोग अभी फरवरी के अंदर अपीयर हो रहे हैं जब वो फील्ड में आएंगे, तो बहुत बड़ा इफेक्ट होता है आपका। इतनी आसानी के साथ आप फॉरगो नहीं कर सकते कि हाँ यार ये एग्ज़ाम मैंने नहीं देना, वो आपके कैरियर के ऊपर आपकी जो लाइफ रेस्ट ऑफ द प्लानिंग्स होती हैं उसके ऊपर उसका ठीक ठाक इम्पैक्ट होता है, ये कैसे आप कर सकते हैं? अच्छा दूसरा मैं आपको बताऊँ, आप में से अगर कोई नॉन सीरियस है SPMS के लिए तो उसका क्या सिचुएशन होगा? मतलब है कि आप देख लें PMS का जो इंटरवल्स आप देख लें, आपका पहला PMS एग्ज़ाम हुआ था 2008 में, आपका दूसरा PMS एग्ज़ाम हुआ था 2010 लेकिन वो दिसंबर में था, आपको 2011 समझ लें, आपका तीसरा जो एग्ज़ाम था 2013, आपका नेक्स्ट जो PMS एग्ज़ाम था 2016 2018 और अब आपको हो रहा है 2021, तो नेक्स्ट कब आएगा? आप तसव्वुर कर लें कि आपका नेक्स्ट जो आएगा या तो वो 2023 में आएगा या 2024 में आएगा, तो उसमें से आप में से शायद जो एज वाइज जो आपको प्रॉब्लम है वो शायद ओवर एज भी हो चुके हों, और इतना वेट पर क्यों करे बंदा? जिसका इम्पैक्ट वही होगा, PMS का भी यही होता है, ये जो PMS 2021 का एग्ज़ाम है या आप देख लें दिसंबर में आपका रिटर्न का एग्जाम आएगा, फिर मतलब है कि पता नहीं ये लोग भी कहीं 2024-2025 में फील्ड में आएंगे, ठीक हो गया? तो मतलब है कि कैरियर कॉन्शियस बंदे के लिए, एक बेरोजगार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस फैक्टर को वो ज़रूर देख लें, ठीक हो गया? अच्छा, अब एक दूसरा जो अहम इशू है जो कि मोस्टली आप लोगों को डांच करके रखता है वो आपका है टारगेट पॉलिसी। टारगेट पॉलिसी, मैं इसको टारगेट पॉलिसी कहता हूं, जब मैं पॉलिसी कहता हूं तो शायद ही मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर रहा हूं FPEC के ऊपर या कैपी कमीशन के ऊपर कि हाँ ये कोई पॉलिसी, ये मैटर एज ए पॉलिसी एग्जिस्ट करता है, लेकिन ऐसे मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि हाँ यार ऐसी कोई पॉलिसी भी है, लेकिन जस्ट टू मेक इट ईजियर फॉर यू मैं इसको पॉलिसी कहता हूँ, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं ले सकता कि हाँ एज सच कोई पॉलिसी एग्जिस्ट करती है, लेकिन ऑन द ग्राउंड इन रियालिटी होती तो है, आप लोग तो देखते हैं, शायद आप में से बहुत सारे लोग जो है इसका विक्टिम भी हो चुके हों, ये जो टारगेट पॉलिसी होती है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है आप सारे लोगों के अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि आप ये लोग कह रहे हैं कि हाँ यार मैंने ये सब्जेक्ट लेना है, अब वो पलाव मुझे बता रहा था, वो मुझे बता रहा था कि यार ये स्कोरिंग है, ये नॉन स्कोरिंग है, ये पिछले साल टारगेट हो गया था तो यार ये इस साल जो है पता नहीं ये टारगेट होगा ये टारगेट नहीं होगा,
नॉर्मली आप इसी यही बुनियाद होता है ना आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन का। शायद पूरे पाकिस्तान में मैं वाहिद बंदा हूँ जो कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं होता। मैं मानता हूँ कि टारगेट होते हैं सब्जेक्ट्स, मैं कभी खुद विक्टिम भी नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ख़िलाफ़ हूँ। यहाँ पर मैं लोगों को कहता हूँ कि भाई आप इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ अगर ये सच कोई पॉलिसी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये तो इनजस्टिस है। अगर आपका मतलब है कि टारगेट हो गया, तो टारगेट होने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट अगर आपने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त भी अटैम्प्ट किया हुआ है कोई पेपर, लेकिन उसमें आपको या तो या फेल हो जाएंगे या वो आपको मार्क्स नहीं देंगे, तो आपके मुकाबले में जो दूसरे बंदे का है वो तो उसको मिल गया, उसको तो एडवांटेज मिल गया, ठीक हो गया ना। एडवांटेज उसको मिल गया तो आप तो कंपटीशन से बाहर रह गए, और वो भी अनफेयर मैकेनिज्म के साथ। ये तो जस्टिस तो नहीं हुआ, ये ट्रांसपेरेंसी तो नहीं हुई, ठीक हो गया ना। तो मैं कहता हूँ कि आप इसके ऊपर आप आवाज़ उठाएं ताकि अगर वहाँ पे कोई सुन सके तो आगे से आप इसका विक्टिम ना हो इस टारगेट पॉलिसी का। अच्छा, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप लोग इस बुनियाद पे फैसला ना करें कि यार पिछले साल पीएमएस के अंदर जो आपका पीएमएस 2018 हो गया था उसमें ये एक्स वाई जी सब्जेक्ट जो है ये टारगेट हुआ था, और ये जो ए बी सी सब्जेक्ट है इसमें बड़ा स्कोर मिल गया था, ये बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट था। आपको जब कोई बंदा ये कहता है कि आप ये सब्जेक्ट ना लें क्योंकि ये पिछले 2008 में टारगेट हुआ था ये एक्स वाई जी, आप जरा उनसे पूछ लें कि यार आप मुझे गारंटी दे दें कि 2021 में भी या ये टारगेट रहेगा या ये स्कोरिंग रहेगा। उसके पास कोई ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं होता, वो जस्ट मतलब है कि वो आपको बता रहे होते हैं हाँ ये टारगेट हो गया था। क्योंकि मैं तो आपको कम से कम या आप मुझे कन्विंस करें या आपके पास अगर कोई ऐसी स्टैटिस्टिक है, क्योंकि बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट है वो एक एग्ज़ाम में कॉन्टीन्यूसली टारगेट हुआ होता है, बाज़ औक़ात एक सब्जेक्ट जो है वो कॉन्टीन्यूसली वो स्कोरिंग रहता है। तो मतलब है कि अगर आप स्टैटिस्टिक भी बना लें एक सब्जेक्ट का कि 2008 में इसका क्या हुआ था, 10 में क्या हुआ था, क्योंकि वो आपको बड़ा इनवेरिएबली आपको स्टैटिस्टिक दे रहा होता है। तो मैं कहता हूँ कि इस बुनियाद पे आपने फैसला नहीं करना। सब्जेक्ट का सिलेक्शन का मायार ये होता है कि भाई आप देख लें कि वो उसका सिलेबस आपके लिए रीडेबल है, अंडरस्टैंडेबल है, ठीक हो गया ना, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के साथ वो एसोसिएटेड है, वो आप मैनेज कर सकते हैं, इस बुनियाद पे आपने करना है। और फिर मैं लोगों को कहता हूँ कि यार टारगेट पॉलिसी इम्पॉर्टेंट, इसके ऊपर आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन का नहीं करना। आपने एक सब्जेक्ट के लिए मतलब मैं लोगों को कहता हूँ क्या आपको पता है कि सीएसएस और पीएमएस के अंदर जो कंपटीशन है उस कंपटीशन का नेचर क्या है? एस्पिरेंट को तो पहले ये पता होना चाहिए। आप में से उस ज़्यादा लोग इस चक्कर में होते हैं कि मैं मुंचू को ताव दे सकूँ लोगों के महफिल में कि हाँ वो मुझे समझ लें कि मैं काबिल हूँ। भाई यहाँ पर ये चीज़ आपका अप्रोच नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि आप कंपटीशन के नेचर को समझ लें, और वो नेचर ये है कि स्किल्स आपने एक्वायर करने हैं कि भाई आपने डीएमसी को किस तरह एनरिच कराना है, ये आपका है। स्किल्स आपने लर्न करने हैं यहाँ से वहाँ से कहीं से भी। क्या आप एग्जाम के नेचर को समझते हैं? नंबर वन। नंबर टू, क्या आपको पता है कि सीएसएस और पीएमएस के लिए लोग पढ़ते कैसे हैं? मेथोडोलॉजी, जिसको आप नॉर्मल जो आप पढ़ते हैं मेथोडोलॉजी, ठीक हो गया ना, कि मतलब है कि क्या ये कोई एकेडमिक एग्जाम तो आपका नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम तो नहीं है, यहाँ पे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और चक्कर जो है वो आपका पूरा ये है कि टोटल ऑफ डीएमसी वो मैटर करता है इस कंपटीशन के अंदर, ठीक हो गया ना। तो मतलब मैंने ये करना है कि क्या मैं जो लोग ये सीएसएस और ये पीएमएस कर जाते हैं उसकी मेथोडोलॉजी क्या थी, उन लोगों की प्रॉपर मेथोडोलॉजी उन लोगों की क्या थी, एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट तैयार करने के लिए क्या मेथोडोलॉजी थी नंबर वन, और ओवरऑल कलेक्टिवली पूरे सीएसएस के लिए क्या मेथोडोलॉजी थी, वो मैंने लर्न करना है, ठीक हो गया। नंबर थ्री, मैंने ये लर्न करना है कि यार एग्जाम से 4-5 महीने पहले आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, एग्जाम से 1 महीना पहले आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी,
एग्जाम की रात की स्ट्रेटजी, मैं कहता हूँ द मोस्ट क्रूशल पार्ट ऑफ योर एग्जाम, आपके जो CSS PMS की मेथोडोलॉजी होती है वो आपकी एग्जाम की रात वाली स्ट्रेटजी होती है। बाद में अगर मुझे कोई टाइम मिला तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना के आपको अपलोड भी कर लूँगा कि इस चीज़ को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि ये मैं क्या कह रहा हूँ आपको, कि 5 महीने क्या होता है, 6 महीने पहले क्या होता है, 1 महीने पहले क्या होता है और एग्ज़ाम की रात को। अच्छा, एग्ज़ाम के हाल के अंदर बैठ के सवाल को क्या आपने समझा हुआ है, इसको मैं कहता हूँ टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन आस्क इन द पेपर। क्या आपने सवाल को समझा हुआ है जब आप अटेम्प्ट कर रहे थे? एंड लास्टली पेपर प्रेजेंटेशन। तो अरे एक बंदा इन 4-5 फैक्टर से प्रैक्टिकली वाकिफ है, उसको पता है और वो तैयारी कर रहा था, लेकिन जब वो एग्ज़ाम में बैठ गया तो यार उसका एक सब्जेक्ट टारगेट हो गया था, तो फिर मैं इल्ज़ाम लगा सकता हूँ APSC के ऊपर कि आप लोगों ने ज़्यादती किया। लेकिन इस बंदे को अगर इन 4-5 चीज़ों को नहीं पता और वो कह रहे यार मैंने सब्जेक्ट्स में ये मैंने आप क्यों हुआ था लेकिन इसमें स्कोर नहीं आया था, तो वो तो ज़्यादती कर रहा है, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी गलती को अगर नहीं मानेंगे तो आपको नया रास्ता कैसे मिलेगा? बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आपको मतलब है कि एक रास्ता ऐसा मिल जाए जहाँ पर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें, ठीक हो क्या? तो टारगेट पॉलिसी जो है, मैं कहता हूँ कि टारगेट पॉलिसी जो है दिस मस्ट नॉट बी द बेस ऑफ योर फॉर सेलेक्शन ऑफ योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ये बेस नहीं होना चाहिए आप लोगों का। क्लियर हो गया? अब आप मुझे सवाल करें, अब आप मुझे कन्फ्रंट कर लें। बेशक मैं चाहूँगा कि आप इस पॉइंट पे आप मुझे जितने भी टफ टाइम दे सकते हैं आप दे दें कि हाँ नहीं सर ये जो आप कह रहे हैं कि इस तरह नहीं होगा ये इसी तरह होता है, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं इसके ऊपर कोई भी, क्योंकि आप लोगों ने तो जहन बनाया हुआ है अभी तक ना कि हाँ मैंने ये सब्जेक्ट लेना है, तो उसमें से शायद ये फैक्टर इन्वॉल्व हो कि सर ये जो सब्जेक्ट मैंने टेंटेटिवली आगे जाके, शायद आप लोग फॉर्म फिल करने वाले थे लेकिन आपने कोई पोस्ट देखा होगा कि हाँ सर रियाज लेक्चर दे रहे हैं, चले वो लेक्चर सुनते हैं फिर वो उसके बाद डिसाइड कर लेते हैं। तो आप वो फैक्टर अगर इन्वॉल्व हैं तो स्पीक अप प्लीज़, आप पूछें ताकि मैं आपको गलती ना करने दूँ। अच्छा आपका नाम क्या है? फरहा। अच्छा फरहा अजीज, आप देख लें ये जो आप जो आपकी जो कन्फ्यूजन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिकन यूनिवर्सिटी के दरमियान, इस कन्फ्यूजन में ये टारगेट पॉलिसी वाला कोई फैक्टर है? No, चले फिर आप रहने दें, आई वॉन्ट कि पहले मैं कोई मुनज़्ज़म अंदाज में ये टैकल करूँ कि ये वाला फैक्टर अगर है किसी का। नहीं आयशा ऐसा नहीं है, आपने पहले कभी अटेम्प्ट दिया हुआ है? आप कहीं जाके देख लें, ये बहुत ज़्यादा जो लोग विक्टिम्स हो गए ना इस टारगेट पॉलिसी का वो दर्द वो आपको बता सकते हैं। हाँ तो बड़ा फ्रेंडफुल है। हाँ हाँ जैसा कि कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस और इंडो पाक दोनों स्कोरिंग नहीं है, चले मैंने इंडो पाक ड्रॉप कर दिया PMS टाइम, मैं उसकी जगह कोई और सब्जेक्ट ले रही हूँ। हाँ। लेकिन उस सब्जेक्ट में सर अगर मुझे नहीं है पता कि मैं उसमें सक्सेसफुल हो जाऊंगी या नहीं होंगी। हाँ। लेकिन सर ये तो हमारी स्ट्रगल पे डिपेंड करता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं उस पेपर को कितना। पर आपकी स्ट्रगल पे डिपेंड करता है और आप इग्नोर ना करें जो अभी आपको मैंने 4-5 फैक्टर्स बताए हैं, मतलब है कि आपने उन फैक्टर्स उस फ्रेमवर्क में आपने उस सब्जेक्ट को तैयार करना होता है तो तभी जा के आपका यहाँ पे टोटल आपका सर दर्द ये टोटल अब DMC होना चाहिए, ये आप याद रख लें। आप किसी के पास भी जाते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, ये देख लें मेरा भी अब जा रहा है, बहुत सारे लोग मैदान में हैं, हर किसी ने दुकान जो है वो खुली हुई है इस चीज़ के ऊपर। मैं आपको कहता हूं कि आप उन लोगों से काइंडली ये ज़रा पूछा करें कि भाई साहब पता चल गया है, आप मुझे बताएं कि इस टोटल अब DMC को मैंने किस तरह आगे जाके एनरिच कराना है, मुझे ये ज़रा बताएं प्रॉब्लम। और वो जो है वो वही है कि भाई सब्जेक्ट्स एग्ज़ाम के जब आप ये डिसाइड कर रहे हैं ना कि हाँ मैंने CSS और PMS के एग्ज़ाम के अंदर बैठना है,
भाई आप डिसाइड ये करें यहाँ पे आपने आपको काबिल मनवाना नहीं है कि आप दूसरों के मुकाबले काबिल हैं, नहीं, फिर आपका अप्रोच डिफरेंट होता है। फिर आप लाइब्रेरी में बैठ के किताबें पढ़ रहे होते हैं और लोगों को महफिलों में बता रहे होते हैं कि यार मुझे वो फिलासफी के ऊपर मैंने सब्जेक्ट पढ़ लिया, इसके ऊपर साइकोलॉजी के ऊपर मैंने पढ़ लिया, वो डॉन के अंदर वो आर्टिकल मैंने पढ़ लिया। हालांकि वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस ज़रूरी नहीं है कि आपकी वो हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम का जो नेचर है वो इस बुनियाद पर नहीं है कि आप कितने काबिल हैं, वो इस बुनियाद पर है कि काबिल तो आप हैं, लेकिन हर काबिल इंसान के पास स्किल्स तो नहीं होता। मेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड है, मेरे बड़े काबिल जो स्टूडेंट्स थे, जो कोलीग्स थे, जो क्लासमेट्स थे, वो ना कर सके, इस वजह से ना कर सके क्योंकि उन्होंने रास्ता गलत अपनाया हुआ था, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर काम नहीं किया था कि भाई टू एक्वायर स्किल्स, कि किस तरह आपने DMC को यहाँ पे बड़ा नंबर लेके आना है। जो बड़ा नंबर लेके आएगा उसकी सिलेक्शन हो जाती है, तो अप्रोच आपने ये रखना है। अच्छा प्लीज़ टारगेट पॉलिसी के ऊपर मज़ा लाइव क्लास में जोर को मज़र मैंने पूछा आपसे। अच्छा सर, एक्चुअली आई वाज वांटिंग ज्योग्राफी जर्नलिज्म पर स्टोर आई आर एंड यूएस हिस्ट्री। अच्छा, लेकिन मैंने जब सोशल मीडिया पे देखा और दो तीन और लाइव और सेशन में देखे लोगों के, तो उन्होंने कहा कि ज्योग्राफी जो है वो लास्ट टाइम टारगेट नहीं हुआ और जर्नलिज्म जो है वो आपको ये बताया गया कि ज्योग्राफी लास्ट टाइम टारगेट नहीं हुआ है। अच्छा, और ये भी बताया गया कि जर्नलिज्म जो है वो कंसेक्टिवली वो हाई स्कोरिंग है। अच्छा, तो अभी जो ये था इसी वजह से मैं यहाँ पे है कि अभी अगर लोगों ने ये सुन लिया है, लेट्स सपोज ज्योग्राफी जो है वो टारगेट नहीं हो रहा है, हाँ ठीक है, और आईआर यूएस हिस्ट्री ऑफ कोर्स तो ये तो हर किसी ने किया हुआ है, हाँ, इसलिए मैं ये मतलब है अगर मैं ये सब लिख ले रहा हूं तो मेरा सीएसएस, आप काइंडली बातें ना करें, आशा बातें ना करें, आप अगला सीएसएस और ये कमिंग सीएसएस, हां इनमें मैंने फर्स्ट तो आईआर और अच्छा, अब आप देख लें यहाँ पे ब्लंडर क्या करेंगे। जो जौहर आपका सवाल है, जौहर ये कह रहा है कि सर यहाँ पे मेरे पास सिचुएशन ये है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि जब आप वहाँ पे टिक करेंगे तो आप कॉन्फिडेंस के साथ टिक करें वहाँ पे। जौहर कह रहा है कि सर मैं यहाँ पे PMS के लिए ज्योग्राफी का सब्जेक्ट ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे PMS के लिए जर्नलिज्म का सब्जेक्ट ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे PMS के लिए नहीं, अच्छा चले ये सब्जेक्ट्स में ले रहा हूँ ये दो, और वो कह रहे हैं कि ये दो मैं इस बुनियाद पे ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बताया गया है कि ज्योग्राफी लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा स्कोरिंग रही है ज्योग्राफी। इसके अलावा वो बता रहे हैं कि जर्नलिज्म जो है वो भी बड़ा कॉन्स्टेंटली कंजक्टिवली वो भी आपके पास बड़ा स्कोरिंग रहा है। अब आप देख लें अगर जौहर के पास ज्योग्राफी के बारे में ज्योग्राफी के साथ अल्टरनेटिव में कोई और बेहतरीन सब्जेक्ट था जो उसने पढ़ा भी है, जिसके ऊपर उसने इन्वेस्टमेंट भी किया है, लेकिन उसने उस बुनियाद पे उसको रद्द किया क्योंकि उनको बताया गया है कि ज्योग्राफी जो है लास्ट टाइम बड़ा स्कोरिंग रहा है, बहुत बड़ा ब्लंडर करेंगे आप में से अगर आप में से किसी की सिचुएशन इस तरह है। वजह यह है कि चले कोई ना एक सब्जेक्ट तो आपने लेना तो है, XYZ ना से ही आप ज्योग्राफी ले लें, लेकिन आपने एक सब्जेक्ट इसके लिए छोड़ा है जिसके ऊपर आपकी मेहनत है, क्योंकि आपको तो ये अंदाज़ा तो नहीं है कि अगर लास्ट टाइम ये स्कोरिंग रहा है ज्योग्राफी तो आइंदा 2021 में भी वो स्कोरिंग रहे। अगर कोई आपको गारंटी कर सकते हैं तो आप मुझे बता दें ताकि मैं खुद को भी कन्विंस करूँ, कोई नहीं बता सकता कि हाँ यार ये आगे आपका 2021 में भी ये स्कोरिंग रहेगा, कोई बता सकते हैं आपको? गेस है, आप गेस लगाएं, गेस के पीछे जाएं, ठीक हो गया ना? तो दोनों सिचुएशन में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ये ख्याल आपने करना है कि हाँ अगर चलें ये भी आपका एक सेफ डिसीजन होगा, अगर आपके पास इसके अल्टरनेटिव में कोई और सब्जेक्ट नहीं है और आप कहें कि हाँ आप ज्योग्राफी को वैसे भी मैंने कोई एक सब्जेक्ट तो पढ़ना है, तो फिर आप हाँ ज्योग्राफी आप ले लें क्योंकि आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप ये देख लें अगर आप जर्नलिज्म ले लेते हैं सो यू विल हैव टू लिव पश्तो इन CSS, पश्तो फिर आप वहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पे उस ग्रुप के साथ है।
और मैं कहता हूँ कि वो कैपी का डोमिसाइल होल्डर वो अगर पश्तो ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं ले रहा तो शायद वो सबसे बड़ा ब्लंडर कर रहा होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर। तो इस चीज़ को आपने देखना है। अब आप इक्वेशन बनाएं कि यार मैंने काम तो आपको सेंसिटाइज करना है कि अगर आप इस पैमाने पे इस पैटर्न पे आप जा रहे होते हैं तो फिर आप देख लें सिचुएशन आपके पास यही बनेगी। ज्योग्राफी भी वहाँ पर है तो इसका मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे 300 मार्क्स आपके लिए कवर कर रहे हैं वो वहाँ पे आपको जीरो देगा क्योंकि पश्तो तो आपका इधर भी है और पश्तो आपका उधर भी है। तो इसको आप ज़रा देख लें कि क्या इम्पैक्ट पर आपका क्या बनता है। अच्छा कोई और आई विश कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे से पूछते क्योंकि मेरा नॉर्मल जो लेक्चर होता है वो क्वेश्चन आंसर के ऊपर चलता है। sir, आप लोग खामोश हैं प्लीज। नहीं वो आपको एक ओपिनियटेड देते हैं कि नहीं आप ये नहीं करें ये स्कोरिंग है ये स्कोरिंग नहीं है। तो उन्हीं सीएसएस ऑफिसर्स में मैं भी हूँ ना। yes, मैं भी आपको बता रहा हूँ मैं तो उसके अगेंस्ट आ रहा हूँ। मतलब है कि मैं क्यों देखिए मेरे पास रीज़न है। मैं तो आपको लॉजिक के साथ रीज़न के साथ कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनसे भी आप पूछ लें कि आप ज़रा रीज़न बताएं या आप क्या कह रहे हैं। मैं तो आपको रीज़न दे रहा हूँ कि यार चलना आप लोगों ने कैसे है। मैं तो टारगेट पॉलिसी को मानता हूँ कि हाँ होता है टारगेट पॉलिसी। पॉलिसी अगर इस पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन सब्जेक्ट जो हैं वो टारगेट होते हैं। मेरे बड़े अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मेरे अच्छे अच्छे बड़े काबिल जो क्लासमेट्स जानने वाले उसका शिकार हो गए बुरी तरह उसका शिकार हो गए क्योंकि आप नहीं सुनते आप डीएमसी को नहीं देखते क्या। हाँ भाई वो करते हैं। लास्ट टाइम जो 2019 का अटैम्प्ट था उसमें बड़ी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी मेरी जो कि ये जेंडर स्टडीज़ में वो गोल्ड मेडलिस्ट है जेंडर स्टडीज़ में वो जेंडर स्टडीज़ के पेपर में फेल है क्योंकि 2019 में आपका सारा जेंडर स्टडीज़ जो है उसमें लो स्कोरिंग था। आपने सुना होगा अगर कोई अपेयर हो गया है तो उसको पता भी है। तो आप देख लें गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो किस तरह आपको मतलब है कि फेल हो सकती है बिकॉज शी बिकेम विक्टिम ऑफ दिस पॉलिसी जो कि मतलब है जिसको मैं पॉलिसी कहता हूँ। तो आप इसको कन्फ्यूज ना करें कि ऐसे कोई पॉलिसी पर रूल्स वहाँ पर एग्जिस्ट करती है लेकिन ये एक होता है ठीक हो गया ना। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि टारगेट पॉलिसी अगर एग्जिस्ट करती है तो मैं आपको इतना सा बता रहा हूँ कि भाई टारगेट पॉलिसी अगर एग्जिस्ट करती है आप मान लें और मान भी लें कि हाँ ये एग्जिस्ट करती है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टारगेट पॉलिसी जो है इट मस्ट नॉट बी द बेस फॉर द सिलेक्शन ऑफ योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ये आपको डॉच कर सकता है कि अगर आप ये कहें कि एक्स वाई जी सब्जेक्ट लास्ट टाइम टारगेट था इसको मैं नहीं ले रहा हालांकि वो आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में भी आपको इशू नहीं है रीडिंग में भी आपको इशू नहीं है लेकिन आप सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं ले रहे क्योंकि कोई आपको बता रहा है कि यार ये लास्ट टाइम टारगेट था ये बड़ी ज्यादती आप करेंगे। मैं कहता हूँ कि हाँ उसके लिए आपने फिर रास्ता ये देखना होता है। सर आपके अच्छा। का मतलब ये है कि टारगेट पॉलिसी एग्जिस्ट करती है लेकिन इस ये जिस सब्जेक्ट पे अप्लाई होती है तो वो हमें नहीं पता कि तो इस बुनियाद पे हमें इस सब्जेक्ट सिलेक्शन को ये बेस नहीं बनाना चाहिए कि ये सब्जेक्ट लेना है क्योंकि हम जो आप जरूर दोबारा बताएं प्लीज। सर मैं कह रहा हूँ कि क्या आपके कहने का ये मतलब है कि टारगेट पॉलिसी एग्जिस्ट करती है लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट टारगेट होगा तो इस बुनियाद पे हमें सब्जेक्ट सिलेक्शन में इस चीज को कंसिडर नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली यू हैव हेल्प मी आउट। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये मतलब है कि आपका नहीं होना चाहिए ठीक है ना। और ये ही का आप सारे लोग जो हैं मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया को। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सबसे शायद कोई ज़बरदस्त टीचर हूँ मुझसे बहुत ज़्यादा ये लोग जो आपको पढ़ा रहे होते हैं वो कहीं ज़्यादा मुझसे बेहतर जानते हैं लेकिन मैं कहता हूँ कि जिस तरह मेरे पास एक रीज़न है रीज़न के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरह का रीज़न आप उनसे भी पूछ लिया करें यार इसमें विजडम कहाँ पर है। अगर मैं आपको मैं अगर यहाँ पे डाइस पे खड़ा होता हूँ ना मैं रिस्पांसिबिलिटी लेता हूँ बिकॉज आई कैन वैल्यू एंड आई कैन रिस्पेक्ट द ड्रीम्स इन योर आइज। आप मेरे पास आए हैं
कभी मैं भी आपसे पहले आज से 7-8-10 साल पहले आप ही की तरह था, तो मुझे भी पता था कि यार ये बड़ी 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 कन्फ्यूजन होती है। अब आप लोग मेरे पास आए हैं तो मैं आपको मिसगाइड तो नहीं कर सकता। तो अगर कोई माइक उठाता है, लेक्चर आपको दे रहा होता है, तो भाई उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक अंदाज से लेनी चाहिए। वो आपको मिसगाइड क्यों करें? क्या अगर मैं आपको ये कहूँ कि यार आप ये सब्जेक्ट ना लें क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है टारगेट होता है, तो यार ये इसमें विजडम कहाँ पर है, इसमें टीचिंग वाली बात कहाँ पर है? ये तो किसी को भी पता, आप कहीं से भी आप पता चलवा सकते हैं कि हाँ यार ये सब्जेक्ट आपका पता नहीं, आप स्टेटिस्टिक उठा लें, FPSC जो आपका है उसके ऊपर तो रिपोर्ट्स भी आते हैं। आप FPSC की वेबसाइट पर चले जाएं, वहाँ पे हर एक CSS के एग्ज़ाम के ऊपर एक रिपोर्ट जो है वो लोग पब्लिश करते हैं, वहाँ से भी आप पता चलवा सकते हैं। तो इसमें तो मतलब है कि वो टीचिंग वाली वो क्या कहते हैं वो वाली बात तो सरे से आती नहीं है। सो दैट इज़ वाई मैं कहता हूँ कि भाई आप ये मतलब है कि टारगेट पॉलिसी कि एक सब्जेक्ट लास्ट टाइम टारगेट हुआ था ये मैं नहीं ले रहा क्योंकि ये लास्ट टाइम टारगेट हुआ था, हालांकि वो सब्जेक्ट इज क्लोज टू योर हार्ट। आप उसको कहते हैं यार ये तो मुझे पढ़ना है, ये मैं पढ़ सकता हूँ, इसमें बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर सकता हूँ, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू द सिलेबस, यू हैव गॉन थ्रू द पास्ट पेपर्स। लेकिन आपने इस बुनियाद पर छोड़ा क्योंकि ये टारगेट हो गया था लास्ट टाइम और लोगों ने आपको बताया कि आप इसको ना लें, बहुत बड़ी ज्यादती आप करेंगे। क्योंकि या तो आप मुझे रीज़न दे दें कि हाँ यार ये टारगेट अगर इस साल हुआ है तो नेक्स्ट ईयर भी ये टारगेट होगा, तो आप तो मुझे रीज़न दे दें, ठीक हो क्या? अली आप सवाल तो करें, आपको पूछना चाहिए सवाल कोई। यू आर क्लियर? इसके ऊपर आपका ओपिनियन कुछ है ये टारगेट के ऊपर? अच्छा प्लीज आप पूछें। हाँ अभी कंक्लूड ना करें, अभी टाइम है। हाँ अच्छा प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ शायद ये मतलब हो सकता है दिस कैन बी वन ऑफ द नरेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो सकता है एक नैरेटिव, ये भी हो सकता है कि हाँ इस तरह हो गया। मैं ये कहता हूँ कि ये टारगेट पॉलिसी की वजह जब आप सब्जेक्ट्स आप कर रहे होते हैं तो बुनियाद ही नहीं होना चाहिए। और रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ यार इसके मुकाबले में अगर आपके पास कोई और अच्छा सा सब्जेक्ट है जो कि आपका दिल कह रहा है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज़ बी अटेंटिव और पॉइंट्स भी आप नोट किया करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई और अच्छा सा सब्जेक्ट है जो कि सिलेबस भी आप मतलब है कि पढ़ रहे हैं, वो अंडरस्टैंडेबल भी है और आप समझ रहे हैं कि इसको मैं आसानी के साथ कवर भी कर सकता हूं, लेकिन आप उस बुनियाद पे उसको छोड़ रहे हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट टारगेट हुआ था लास्ट टाइम पे, मैं कह रहा हूं कि वो आप बड़ी ज्यादती करेंगे। ठीक हो गया? लेकिन मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि जब आपने वहां पर बटन क्लिक किया ना, आपके सब्जेक्ट्स जो है वो चले गए कि ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं, फिर आपने ज़मीन और आसमान एक करनी है, फिर आप ये बात जहन से निकाल लें कौन टारगेट हो गया था लास्ट टाइम, कौन टारगेट होगा आखिरी टाइम आने वाले एग्ज़ाम में, फिर आपने अप्रोच वही रखना है जो अभी मैंने आपको बताया कि भाई आपने एग्ज़ाम के कॉम्पिटिटिव नेचर को आपने समझना है, यहाँ पे मैंने स्कोर करना है। नॉर्मली होता है ना, यहाँ पे मैं IR पढ़ाता हूँ तो मतलब है कि स्टूडेंट का मिजाज ये होता है कि आप मुझे IR में कोई स्कॉलरली अप्रोच आप बताएं, होते हैं ना, कि मतलब है कि यही अक्सर मैं विद अपोलॉजी क्योंकि ये ऑनलाइन जा रहा है बहुत सारे लोग इसको देखेंगे, मैं नॉर्मली कहता हूं कि भाई आप जो प्रोफेसर साहिबान के पास जाते हैं ना उनकी तो एकेडमिक एक्सेलेंस के ऊपर सवाल उठ ही नहीं सकता उनका, जो मतलब है कि अब मेरा क्या है, हमने तो CSS क्या है एक बैचलर लेवल का एग्ज़ाम दिया हुआ है। नॉर्मली मैं कहता हूं यार CSS के अंदर इंडिया का अगर हम कंपेयर कर लें तो इंडिया का जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम है, हमारे यहाँ क्या है यार बैक्टीरिया के आप फीचर्स याद कर लें, आप ये याद कर लें कि हाँ प्लांट किंगडम क्या होता है, एनिमल किंगडम क्या होता है, अकीदे आखिरत के ऊपर 2-3 कुरान का आयत याद कर लें, पश्तो के 2-3 शेर याद कर लें और आपको सबसे बड़ा सीट दिया जाता है इस मुल्क के अंदर, एक बहुत बड़ी गनीमत है। हालांकि आप अपनी ये डिग्री ज़रा मिडिल ईस्ट लेके जाएँ, हमें कोई भी ना रख लें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये है कि वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हाँ ये चीज़ आप कर लें,
लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि आप लोग मिजाज को समझते नहीं हैं, सीएसएस के एग्ज़ाम को मिजाज को समझते नहीं हैं लोग। मतलब है कि मैं कहता हूँ कि प्रोफेसर साहिबान के पास जब आप जाते हैं तो आप अपना स्कोप लिमिट रखें, लिमिटेड रखें। किस तरह? अगर आप कहते हैं कि मैं उसके पास चला गया था, मैंने उससे प्रीसी पढ़ लिया, भैया प्रीसी तो आपने पढ़ लिया, लेकिन प्रीसी तो आपका पूरा 1200 मार्क्स हैं आपके एग्ज़ाम, और प्रीसी जो है उसमें सिर्फ 20 मार्क्स का सवाल है। लेकिन यहाँ पे लोग प्रीसी का ट्यूशन पढ़ के घर चले जाते हैं कि अब मैं सीएसएस कर जाऊँगा। नहीं भाई, आप समझ लें एग्ज़ाम के प्रोसेस को, समझ लें इसके कंपटीशन के नेचर को, समझ लें। आप स्किल्स एक्वायर करें कि भाई आपने अपने टोटल ऑफ डीएमसी को किस तरह एनरिच कराना है। ये स्किल्स अगर आपके पास नहीं है तो प्रीसी आपके लिए क्या कर लेगा? समझ रहे ना मेरी बात? तो ये बहुत ज़्यादा क्रूशल है कि जब आपके सब्जेक्ट्स डिसाइडेड हो गए कि ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं, बस अब ताला लग गया, अब आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट अप्रोच अडॉप्ट करके यहाँ पे आपने अपने टोटल को बेहतरीन लेके आना है। अब आप भूल जाएंगे कोई टारगेट पॉलिसी होगी, अगर टारगेट पॉलिसी है भी तब भी आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना है कि अगर कोई सब्जेक्ट आपका टारगेट होता है, कोई सब्जेक्ट आपका टारगेट होता है तो आप उसमें से भी इतने मार्क्स आप ले सकें कि वो आपको ज़्यादा डैमेज ना कर सकें। एंड बाय द वे, मेरे पास एक और अप्रोच भी होता है। नॉर्मली मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर आपको ये फेयर है ना, ये मतलब है कि एक किस्म का एक दर्द है कि यार पता नहीं मैं स्टडी कर रहा हूँ आगे जाके क्या होगा, कौन सा सब्जेक्ट टारगेट हो गया था, ये जो सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा हूँ ये तो लास्ट टाइम टारगेट हुआ था। मेरे पास एक अप्रोच होता है, उसको मैं कहता हूँ डैमेज कंट्रोल। डैमेज कंट्रोल मैं उसको कहता हूँ। डैमेज कंट्रोल मेरे पास ये है, और डैमेज कंट्रोल के लिए मेरे पास तीन सब्जेक्ट्स होते हैं, एक पश्तो, एक इस्लामियात, एक एवरीडे साइंस। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके डैमेज कंट्रोल हैं, क्योंकि पश्तो के अंदर नॉर्मली क्या होता है, बाकी सब्जेक्ट्स में तो आप लोग ज़्यादा इसलिए कन्फ्यूज़ होते हैं कि वहाँ पर आपसे एनालिसिस मांग रहा होता है। पश्तो के अंदर तो आपके पास वही बस ठीक है, पोइट्री है, पश्तो लिटरेचर है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, इतना ज़्यादा आपको तंग नहीं करते हैं। एवरीडे साइंस के अंदर देख लें, जितना ज़्यादा आपके पास डेटा बैंक होगा बैक्टीरिया के ऊपर, डीएनए के ऊपर, क्रोमोसोम्स के ऊपर, बैलेंस डाइट के ऊपर, विटामिंस के ऊपर, यही सवाल आते हैं ना, तो भाई आप जितना आपके पास होगा वहाँ पर आप लिख लेंगे, आपको ज़्यादा मार्क्स आएंगे। ये आपके पास डैमेज कंट्रोल है। एंड लास्टली इस्लामियात, इस्लामियात को अगर आप प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेंगे तो मैं कहता हूँ कि अगर एक सब्जेक्ट अगर आपका टारगेट हुआ है तो टारगेट क्या होता है, मतलब टारगेट ये होता है ना कि नॉर्मली अगर आप किसी सब्जेक्ट में 65 लेते हैं तो टारगेट वाले में आप 40s में आते हैं, तो एवरेज से आप कितने नीचे आते हैं, 25 मार्क्स। तो मैं कहता हूँ ये 25 मार्क्स के डैमेज को कंट्रोल करने के लिए आपने इन तीन सब्जेक्ट्स के ऊपर इतना ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि वो उसमें से आप इतने ज़्यादा 25 एडिशनल मार्क्स आप ले सकें, ताकि वो जो टारगेट पॉलिसी अगर आगे आएगी वो आपको ज़्यादा डैमेज ना करें। दीज आर द स्किल्स, ये आपने एक्वायर करना है, या आप इसके ऊपर आपने काम करना है, और इसी स्किल से आगे जाके आपको जो टोटल डीएमसी है वो रिलेटिवली दूसरे के मुकाबले में बेहतर होगा। अच्छा, कोई और? किसका? मैं तो कहता हूँ कि मैं तो, अगर आप मुझसे पूछती हैं तो मैं तो कहूँगा इनजस्टिस, बेइंसाफी है। यूथ ऑलरेडी यहाँ पे इस मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, और आगे से मतलब है कि आप टारगेट पॉलिसी तो, ये तो बिल्कुल बेइंसाफी है, तो मतलब है कि बंदे को पागल कर देता है कि हाँ यार बस टारगेट है, वो आपको रीज़न नहीं बताते। लेकिन मतलब है कि अगर, लेकिन कसूर मैं कहता हूँ कि सीएसएस एस्पिरेंट्स का होता है। आप लोग भाई इसके ऊपर डिबेट तो करें, आप कोई बात तो करें, कोई आपको लॉजिकली कोई आंसर तो करें, ठीक है, आप उनको क्वेश्चंस को ना करें, वो इंस्टीट्यूशंस को आप चैलेंज ना करें, लेकिन कम से कम ये तो हो सकता है कि यार ये क्या है, अगर आपके पास कोई स्टैटिस्टिक्स हैं कि यार ये क्या होता है कि एक सब्जेक्ट अगर टारगेट है तो वहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट कैसे फेल हो सकता है। चलें वो 10 नंबर कम ले लें, 5 कम ले लें, लेकिन फेल तो कम से कम नहीं हो सकता, क्योंकि 100 में से तो 33 के ऊपर आपका पेपर पास हो जाता है, तो 22 उसके अंदर एमसीक्यूज भी हैं, तो गोल्ड मेडलिस्ट बंदा तो कम से कम 20 में से 15 तो ठीक कर लेगा, 12 तो ठीक कर लेगा, तो रह जाते हैं आपके 20 मार्क्स और, तो क्या 80 में से वो 20 मार्क्स नहीं ले सकता?
तो ये मतलब है कि मैं कहता हूँ ये तो शेयर आपका इनजस्टिस है, बेइंसाफी है। सर अच्छा सर आपने कहा कि मतलब से वो टारगेट पॉलिसी पे यकीन न रखे, लेकिन जिस पर साल जो स्टडी करते हैं उनसे से जो बीएमएस एग्जाम भी दे उसने दिए होते हैं सर, उन लोगों को क्या करना चाहिए सर? मेरे भाई मुझे अभी जो नेक्स्ट 2021 वाला पीएमएस एग्जाम के लिए मुझे पॉलिटिकल साइंस चेंज करना है, तो मैंने उनको कहा कि सर रियाज के मुताबिक उसने कहा कि टारगेट पॉलिसी पे यकीन ना रख के इसकी कोई गारंटी नहीं कि मतलब ये 2021 में भी टारगेट होगा, तो उसने कहा कि अभी क्या करना है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में मुसलसल टारगेट हो रहा है, उसके पिछली पीएमएस में 80 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 200। तो ठीक है, नो मतलब है कि आप उनसे लॉजिक को पूछें या आप उनको कहें कि वो आपको कन्विंस करें। मैं तो कहूँगा कि नहीं यार, बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से जिस तरह तैयारी होती है वो स्किल्स मैंने एक्वायर करने हैं, तो भाई वो उसके ऊपर मैंने फिर फोकस करना है। क्योंकि ये होता है कि पॉलिटिकल साइंस अगर आपने 3 एग्ज़ाम के लिए 2 एग्ज़ाम के लिए अगर पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट था, अगर आपने सही पढ़ा भी नहीं है लेकिन कम से कम अंदाज़ा तो होता है, एक दूसरा नया सब्जेक्ट जब आप लेके आएंगे 200 मार्क्स के सिलेबस का, तो उसको उस लेवल तक लेके आना। क्योंकि एक सब्जेक्ट में अगर आप 80 लेते हैं ना, 80, तो आपने 120 तक रास्ता जो है वो कम होता है, लेकिन अगर आपने जीरो से स्टार्ट करके 120 तक एक सब्जेक्ट को लेके आना है टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये तो मतलब है कि ये नैरेटिव्स तो एग्जिस्ट तो करती हैं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, हर एक बंदे का अपना एक स्टाइल होता है। शायद इस मैं तो आपको बता रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, कोई भी आपको इस तरह नहीं बता रहा होता, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि भाई डोंट ट्रस्ट दिस टारगेट। नहीं, डोंट ट्रस्ट वाली बात नहीं, मैं टेक्निकली कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे अल्फाज यूज़ करूँ इसको ताकि मज़ीद इसके अंदर क्लैरिटी आ जाए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स डिसाइड कर रहे होते हैं, 2-3 मतलब ये मैंने रिपीट किया एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, कि जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स डिसाइड कर रहे होते हैं तो उसमें से आप एक अच्छा सा सब्जेक्ट जो कि आप बेहतरीन अंदाज में पढ़ सकते हैं, इन दिस सिचुएशन फहीम साहब की जो वो बात कर रहा है, तो आप कि एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है 2-3 एग्ज़ाम में, एक में उसके 80 आए हैं, दूसरे में शायद उसके 110 आए हों, 115 आए हों, तो आप इस बुनियाद पे उसको चेंज कर रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम ये टारगेट हुआ था, बड़ी ज्यादती आप करेंगे क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट कोई नहीं है। आप मुझे कन्विंस कर लें, चले मुझे कन्विंस कर लें कि हाँ यार नेक्स्ट टाइम ये टारगेट ना होगा। चले वो पॉलिटिकल साइंस की जगह साइकोलॉजी ले रहा है, तो वो अगर टारगेट हो गया तो मतलब है कि प्रूडेंट नहीं है फैसला, बिल्कुल भी प्रूडेंट नहीं है। अच्छा प्लीज कोई और, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? नहीं, अब आपका केस डिफरेंट हो सकते हैं ना। मैं अब आप देख लें इसका अप्रोच है, अब टारगेट की वजह से मतलब है कि टारगेट के पॉलिसी को अब आप इसको मिसयूज ना करें इस टर्म को। ये तो जस्ट मैंने इस वजह से आपको एक्सप्लेन करके दिया है कि इसके बुनियाद पे आपसे कोई अच्छा सा सब्जेक्ट जो है वो रह ना जाए, मतलब है कि ये आपको मिसगाइड ना करें। ठीक हो गया ना, बात ख़त्म, बात ख़त्म हुई है। अब आप व्हाट इज़ योर गुड नेम? अजीज़। अजीज़ अगर मेरे सामने आता है और मेरे सामने कुर्सी पे बैठता है कि सर मेरे पास तो मेरे साथ तो बड़ी ज़्यादती हुई है। क्या ज़्यादती हुई है? मेरा जियोलॉजी का बैकग्राउंड है और मुझे तो मेरे तो दोनों पेपर्स फेल हैं, और मैं इनको कहूँगी हाँ यार आपके साथ तो बड़ी ज़्यादती हुई है, वेरी सॉरी, आई विल इंटरव्यू यू, मैं आपको इंटरव्यू करूंगा, क्या आपने जियोलॉजी के लिए सिलेबस कवर किया था? क्या आपको पता है कि आपके जियोलॉजी के सिलेबस के अंदर क्या आता है? नंबर 1। नंबर 2, क्या आपने जियोलॉजी के पास पेपर्स पढ़े हुए थे कि इसके ऊपर सवाल किस तरह आते हैं? नंबर 3,
क्या आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो सवाल आते हैं उसको आपने अटेम्प्ट किस तरह करना है, उस सवाल को आपने समझा हुआ था? नंबर फोर, क्या आपने जियोलॉजी के पेपर की रात को जियोलॉजी का पूरा सिलेबस आपने रिवाइज किया हुआ था? मैं आपसे ये पूछूंगा। नंबर फाइव, क्या आपका जो रिवीजन का जो रेट था जियोलॉजी के लिए, क्या आपने एग्ज़ाम से पहले तो तीन मरतबा जियोलॉजी रिवाइज किया हुआ था? तो अगर आपके सारे जवाब मुझे हाँ में मिल गए और आपने मुझे प्रैक्टिकली एविडेंस भी उसके दिए, तो मैं आपको कहूँगा कि हाँ आपके साथ ज्यादती हुई है। लेकिन इफ़ यू फेल टू आंसर दीज क्वेश्चंस, तो भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी, आप ना करें, आप रिफ्यूज ना लें टारगेट पॉलिसी में। आप ठीक हो गया ना, मेरे सामने कम से कम आप नहीं ले सकते, बिकॉज मैं आपको एक्सपोज करूंगा। आपने मुझे कन्विंस करना है कि मेरी मेथोडोलॉजी ठीक थी, मेरा अप्रोच ठीक था इस जियोलॉजी के लिए, पेपर नाइट वाला अप्रोच भी मेरा ठीक था, हाल के अंदर वो अप्रोच भी मैंने इस तरह रखा। तो अगर आप मुझे कन्विंस करें तो फिर मैं आपको कहूँगा कि हाँ, क्योंकि ये जो मैं इसको बता रहा हूँ कि बाज़ औक़ात ये होते हैं ना कि एक सब्जेक्ट के अंदर आप स्कोर लेते हैं, कम स्कोर लेते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप कहते हैं यार इसमें मेरा स्कोर कम आया था, इसको मैं नहीं ले रहा। नहीं भाई, मैं लोगों को कहता हूँ कि भाई यही चार पाँच क्वेश्चन अपने आप से पूछ लें, किसी टीचर के पास जाएँ, किसी CSS ऑफिसर के पास जाएँ, किसी PMS ऑफिसर के पास जाएँ और उनको एक्सपोज करें कि हाँ यार मेरा ये अप्रोच था, मैं सब्जेक्ट को इस तरह पढ़ता था, मैंने नॉर्मली तो इस तरह भी होता है। मेरे पास सभी लोग आ रहे हैं, अच्छा आपने किस एग्ज़ाम में, मैंने 2021 में बैठना है, अच्छा ओके। मेरा स्टूडेंट तो इस तरह जरूरत नहीं कर सकता, उसको पता होता है कि यार सर के पर क्या रिएक्शन होगा। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं होते है, आप उनको कहते हैं यार इस्लामियात आपने कब रिवाइज़ किया था, वो कहते हैं लास्ट PMS के लिए रिवाइज़ किया था, अच्छा शाबाश। तो नॉर्मली तो आपके अप्रोच में बड़ा फ़र्क होता है, तो वो मतलब है कि अगर आप अप्रोच आपका गलत है और फिर आप जिम्मेदारी जो है वो वहाँ पे डालते हैं कि सब्जेक्ट में स्कोर नहीं आता, तो मतलब है कि ये इस चीज़ को आपने बड़ा क्लियर करना है। अच्छा प्लीज़ कोई और। मैं ये कह रहा हूँ, टारगेट पॉलिसी का वर्ड मैं सुनते आ रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं अगर किसी को लॉजिक कह रहा हूँ तो उनको मैं कह रहा हूँ सर इसको अगर हम इवोल्यूशन पॉलिसी का नाम दे दें तो ये अच्छा होगा, क्योंकि ये सेमेस्टर सिस्टम ने हमें बहुत सिखाया है सर। असल में होता ही है सर, मेंटर्न एग्जाम क्विजेज असाइनमेंट्स वगैरह वो आसान से आ जाते हैं सर, तो फाइनल एग्जाम में जब हम पहुंच जाते हैं तो दो तीन क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आ जाते हैं सर। उसमें होता क्या है, जिसने सही पढ़ा होता है सर वो टॉप कर जाते हैं, उनका ए ग्रेड आ जाता है, ग्रेडिंग पॉलिसी जो होती है सर तो वो इवैल्यूएट कर लेते हैं यूनिवर्सिटी में। तो मैं ये कहता हूँ सर यहाँ पे जो हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हर किसी ने अपना 100% दिया होता है, फुली प्रिपेयर्ड आए होते हैं सर, तो उनके पास इस तरह की इवैल्यूएशन पॉलिसी होती नहीं है, तब ये करते हैं कि वो टारगेट कर लेते हैं। किस तरह सर वो मतलब मार्किंग इस तरह कर लेते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग आगे ना जाए, क्योंकि इंटरव्यू के लिए अगर 100 लोग चले जाते हैं आगे तो हमारे पास 20 है या 30 है जो भी है सर, तो उनके लिए इवैल्यूएशन में बहुत डिफिकल्टीज आ जाती है, क्योंकि दो दो मार्क्स पे या तीन तीन मार्क्स पे अगर गैप है तो उधर इंटरव्यू में कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब भी मैं कह रहा हूँ इसको अगर हम इवैल्यूएशन पॉलिसी कह देते हैं तब ठीक है, टारगेट पॉलिसी नहीं कहते। आपका नाम क्या है? राशिद अहमद। राशिद, राशिद अगर आप जीव न्यूज़ के किसी प्रोग्राम में बैठे हैं ना और आप APEC के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो बड़ी कमाल की कमेंट्री आपने की है, हाँ ज़बरदस्त कमेंट्री आपने की है। आप CSS एस्पिरेंट है, आपने रास्ता ये देखना है कि भाई मैंने DMC के ऊपर मैंने सबसे ज़्यादा स्कोर लेके आना है। ये जो आपने कमेंट्री की है इट कैन नॉट हेल्प यू आउट टू हैव अ गुड स्कोर ओवर हेयर, ये आपको पता चल जाएगा, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे। लेकिन आप अगर PMS के एग्ज़ाम में बैठते हैं, मैं दोबारा भी कहता हूँ कि अल्लाह ना करे, और आपको कोई सब्जेक्ट टारगेट हो जाए तो फिर आप मेरे पास लेके आना कि वो जो लाइव भी जा रहा है शायद ये सेव भी हो जाए, तो मैं आपसे फिर पूछूंगा कि वो जो आपने कहा था कि इसको टारगेट पॉलिसी ना कहें इसको आप इवैल्यूएशन कहें, मज़ा आया आपको? तो मतलब बड़ा ख़तरनाक है, बड़ा ख़तरनाक है ये, हाँ इसको आप इसी तरह नहीं लेंगे भाई, आप इसको ठीक ठाक समझ लें। हाँ चले आप भी जीव न्यूज में बैठ जाए, हाँ लेकिन मतलब है कि आई एम ब्रूटली ऑब्जेक्टिव इन माई अप्रोच,
बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव अप्रोच मेरा नहीं, आप यार ये हवा में ये किले ना बनाएं भाई, आप बात करें तो भाई रीज़न बेस करें, आपके पास कोई कन्विंसिंग रीज़न नहीं है। अब ये चीज़ अगर मैं तस्वर में रख लूँ कि हाँ यार ये टारगेट पॉलिसी ये नहीं होती, ये वैल्यूएशन होता है, तो क्या तो मतलब मैं आप इस तरह हैं, मैं कहता हूँ यार ये वैल्यूएशन में वैल्यूएशन नहीं है, टारगेट पॉलिसी होती है, होती है, लेकिन अब आप मैंने ये देखना है कि मैंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना है एक एक सब्जेक्ट के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा प्लीज जोहर, हाँ 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 एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब दो बातें ना, मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूँ कि डिबेट को आई डोंट नो, मैं शायद समझता हूँ कि मैंने बात क्लियर कर दी है, लेकिन आप दोबारा ले आते हैं। एक होता है ना कि टारगेट पॉलिसी के ऊपर एनालिसिस कि हाँ यार ये टारगेट पॉलिसी है क्या, ये होती क्या है, ये एग्जिस्ट करती है, ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये बात अलग है, उसके ऊपर अगर हम कमेंट्री करेंगे ना, एनालिसिस करेंगे, तो फिर हाँ राशिद वाली बात भी ठीक है, आयशा वाली बात भी ठीक है, मेरी बात भी एक हद तक ठीक है, बल्कि इसके लिए तो आप लोगों ने मैंने इतना स्टैंड लिया हुआ है कि मैंने अपने फेसबुक वॉल के ऊपर एक कमेंट्री भी की है इसके ऊपर, आप ज़रा देख लें, वहाँ पर बड़े सीनियर सीएसएस ऑफिसर्स ने वहाँ पर मान लिया है कि हाँ यार ये होता है, आपको पता चल जाएगा अगर आप वहाँ पर उसको फॉलो कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो एक तो एनालिसिस है, वो तो है वो बात, अब ये दरवाजे इसका बंद कर ले इस एनालिसिस का। अब बात ये है, वो तो मतलब है कि मैं तो ये लग्जरी मेरे पास है, क्योंकि मैं तो वही मेरे पास तो अचीवमेंट्स हैं, वो अचीवमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा शायद रिलैक्स भी कर रहे हैं, लग्जरी भी मैं ले रहा हूँ, मैं डिबेट भी करता हूँ आपको, मैं इसी तरह यहाँ पे बोल भी रहा हूँ, क्योंकि मैं तो सीएसएस ऑफिसर हूँ, इससे पहले मैं पीएमएस ऑफिसर था, तो भाई मैं तो ये लग्जरी ले सकता हूँ। एक सीएसएस एस्पिरेंट क्या करे, वो तो मतलब है कि टारगेट पॉलिसी को इस अंदाज में समझ लें, इस अंदाज में उसको एनालाइज करें कि हाँ वो टारगेट पॉलिसी का जो डिबेट चल रहा होता है सीएसएस एस्पिरेंट्स के दरमियान, वो उसको डॉज ना करें, सब्जेक्ट सिलेक्शन में उसको डॉज ना करें। नंबर वन, वो जो एनालिसिस है या वो जो डिबेट है टारगेट पॉलिसी के ऊपर, वो उसके मेथडोलॉजी के ऊपर वो कोई इस तरह इफेक्ट ना करें कि उसका टोटल अब डीएमसी जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो इन दोनों बातों में आप फ़र्क को मतलब है कि जान लें, आई होप कि मैंने फ़र्क शायद निकालो इसमें से। अच्छा कोई और आप में से कोई ऐसा बंदा है जो कि ये कहे कि सर मैं मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये सब्जेक्ट्स में ले लूं, लेकिन मुझे बताया गया है कि आप ये सब्जेक्ट्स ना लें क्योंकि ये सब्जेक्ट्स जो हैं ये लास्ट टाइम टारगेट हुए हैं या ये लो स्कोरिंग है। कोई ऐसा बंदा है कोई एक कमाल कर रही हैं आप भी तो इस तरह कोई और तो आपको कुछ और कहेगा, तो फिर आपने कहाँ पे रुकना, कहाँ पे आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है? साइकोलॉजी। अच्छा तो अब आप देख लें, इस तरह तो नहीं हो सकता कि हाँ किसी ने कहा है कि यार लो स्कोरिंग है, मेरा तो मेरे लिए तो लो स्कोरिंग है, लेकिन मैंने तो हमारे टाइम में भी ये लो स्कोरिंग था, लेकिन आई हैड स्कोर्ड आई गेस पीएमएस के अंदर मैं अगर प्रिसाइसली एक्यूरेट आपको बताऊं तो मेरा पीएमएस के अंदर स्कोर था 117 सम हाफ 117 ऑलमोस्ट 120, जो कि लोग वहां पे कहते थे कि यार ये टारगेट हुआ है, लेकिन मुझे अभी याद है कि मेरा फिलॉसफी का एक क्वेश्चन बड़ा पुअर गया था उसमें से, लेकिन मैं रिफ्यूज नहीं ले रहा कि टारगेट हुआ था, मेरे 125 भी आ सकते थे, मेरे 130 भी आ सकते थे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टारगेट पॉलिसी की डिस्कशन जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो तो हम सिर्फ इस हद तक कर रहे हैं कि उसमें से आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन में आप ब्लंडर ना करें। क्योंकि जब अब आप देख लें ये आपका 6 जनवरी है शायद आपका लास्ट डेट, मैं आपको शायद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करूँ अगर आप 7 जनवरी को मेरे पास आते हैं और आप मुझे ये कहेंगे टारगेट पॉलिसी नहीं भाई, फिर आपने वो करना है जो कि एक अप्रोच अपनाया जाता है, जो मेथडोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आपने उसके ऊपर अमल करना है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपने देना है,
उसमें से आपने, ताकि आपको जो टोटल ऑफ डीएमसी है उसमें से आपको प्रॉब्लम ना पड़े। अच्छा है, आप शायद कहना चाह रहे थे अच्छा चले चले, आप ऐसा करते हैं कि आखिर में हम दो तीन स्पेसिमेंस लेते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। आप में से कोई ऐसा बंदा जो कि कहे कि सर ये मैं आपका लेक्चर सुन रहा हूँ, लेकिन मैंने रात को डिसाइड किया था कि मैंने ये सब्जेक्ट्स लेने हैं, और इस ये लेक्चर सुनने के बाद भी मैं बिल्कुल अटल हूँ कि यही मेरे सब्जेक्ट्स हैं, कोई ऐसा बंदा है? अच्छा प्लीज़ जवेरिया, जवेरिया आप वाले में तो बड़े इशूज़ थे। चले आप वाले को मैं, क्योंकि वो आप मेरी स्टूडेंट है, जो मेरा स्टूडेंट नहीं है आप बताएं जी। अली गाड़ी जरा हटाएं आप। अच्छा रोड बंद किया हुआ है तो आप कहें अपने गाड़ी जो है वो हटाएं। व्हाट इज योर नेम? फहद। अच्छा फहद, आपने पीएमएस के लिए सिलेक्शन की हुई है। अब आप देख लें जो इस फ्रेमवर्क में आ रहा है उसी तरह आप देख लें, इसके ऊपर मैं कमेंट्री भी करूंगा साथ साथ, और ये आपके लिए शायद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द लेक्चर यही है। अब फहद, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा ओके, आपने कब फैसला किया था कि ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं? डिसाइड है, लेक्चर आपने सुने हैं उसके बाद भी आप कहेंगे कि वही है मेरे सब्जेक्ट्स, ज़्यादातर चांसेस वही हैं। अब आप मुझे बताएं आपका क्या है पीएमएस के लिए? फिजिक्स, ज्योग्राफी, यूएसएसटी, आईआर, हाँ ये 600 आपके पूरे हो गए। अब आप देख लें अब यहाँ पे सीएसएस में क्या हो जाएगा, आप देख लें 200, ज्योग्राफी आपका 100, यूएसएसटी आपका 100 और आईआर आपका 200। तो अब जो शायद महरीन जो बात कर रही थी या आयशा का सवाल था कि सर ये ज़रूरी तो नहीं है कि आप, मतलब है कि आप ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स आप ले लें, हो सकते हैं कि आप उसमें बहुत बड़ा ब्लंडर कर जाएं, ठीक हो गया ना? अब आप इंजीनियर हैं, क्योंकि आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो आप इंजीनियर्स हैं, फिजिक्स आप ले रहे हैं तो होने को तो ये बड़ा आइडियल कम्बिनेशन है, लेकिन फिजिक्स का मैं तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं तो फिजिक्स तो कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि फिजिक्स में आपके 100 मार्क्स के ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं, 100 मार्क्स के। तो अगर आप फिजिक्स ले रहे हैं तो क्या न्यूमेरिकल्स आपका स्ट्रेंथ है? तो स्ट्रेंथ अगर है तो आप जाएं इसके साथ, वरना न्यूमेरिकल्स के अंदर तो ये होता है कि या तो आप कर लेंगे या आपको जीरो पड़ जाएगा। इसके मुकाबले में अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है, आईआर है, तो उसमें कम से कम जीरो तो नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, नंबर वन। नंबर टू, जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू होता है जो कि सी एस एस एस्पिरेंट उसको सर से सब्जेक्ट सिलेक्शन में उसको सर से सीरियस लेते ही नहीं है, वो ये है कि आपके इस फिजिक्स के अंदर 40 MCQs भी आएंगे। 40 आपने MCQs गो थ्रू किया हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो 40 MCQs भी सारे न्यूमेरिकल्स हैं? क्या कर लेंगे आप, ठीक हो गया? तो भाई इस चीज को आप मद्देनजर रख लें। सेकेंडली आप देख लें जियोलॉजी, जियोलॉजी का क्या है? ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का ये बड़ा, ये जो मैं आपको कहता हूँ कि पेपर नाइट स्ट्रेटजी, गलती आप ये लोग करते हैं फिर आप कहते हैं यार ज्यादती मेरे साथ हो गई है। ज्योग्राफी का पीएमएस के अंदर 200 मार्क्स का सिलेबस है, 200 मार्क्स का सिलेबस है। मैं अगर रफली बताऊं तो 200 मार्क्स के सिलेबस में आपके मिनिमम, आप मुझे बता सकते हैं जिसने ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है, 100 क्वेश्चंस तो होंगे, चलें 100 बहुत ज़्यादा है, 70 क्वेश्चंस तो आपने प्रिपेयर करने होते हैं मिनिमम, 70 क्वेश्चंस। इसी तरह ज़्यादा है, चलें मैं 70 कर लेता हूँ, 70 क्वेश्चंस। तो अब आप देख लें
आप वही सिलेबस CSS के लिए 100 मार्क्स के लिए पढ़ेंगे जो यहाँ पे आपको 200 मार्क्स का सिलेबस है, तो आपको वो कितना टफ टाइम देगा। इसके मुकाबले में एक दूसरा लड़का है जिसने 100 मार्क्स के लिए छोटा सिलेबस वाला सब्जेक्ट जो है वो ऑप्ट किया हुआ है, तो आप कैसे उसको कम्पीट करेंगे? उसका रीडिंग का आपसे बेहतर हो सकता है, उसका रिविजन आपसे बेहतर हो सकता है, पेपर की नाइट को शायद आप जियोग्राफी पूरा रिवाइज ना कर सकें, वो 2-3 मतलब रिवाइज कर लेगा, इफेक्ट वो डालेगा। ये अब मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा फहद, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इन फैक्टर्स को ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप करते वक्त आपने इन फैक्टर्स को देखना होता है कि हाँ यार ये ब्लंडर मैं वहाँ पर कहीं ना कर लूँ। अच्छा, यूर इंजीनियर भाई, आई आर का आप क्या करेंगे? एक इंजीनियर आई आर का क्या करेगा, क्योंकि आई आर तो आपके लिए इसी तरह है जिस तरह हमारे लिए मैथमेटिक्स है। एक इंजीनियर के लिए तो यही है ना। तो क्या आपने आई आर का सिलेबस देखा है? नंबर वन। नंबर टू, क्या आपने आई आर का जो कंटेंट्स है वहां पे उसमें क्या आता है उसको आप कैटेगराइज किया है 1, 2, 3, 4, 5? नंबर टू, क्या आपने आई आर के पास पेपर्स देखे हैं कि आर एस के ऊपर सवाल क्या आता है? तो अभी से आपने अपने लिए स्ट्रेटेजी बनानी है कि भाई मैंने क्या करना है। तो हो सकता है कि ये जो अभी मैं आपको बता रहा था शुरू में कि आप एक ही सब्जेक्ट्स ले लें, अब आप कहेंगे कि सर उसी चीज़ को अभी तो आप निगेट कर रहे हैं, तो वो जो महरीन वाली बात है कि हाँ ये ज़रूरी नहीं है कि आप सब्जेक्ट्स बस एक लेके आए। हो सकता है कि सब्जेक्ट्स एक लाते लाते आप ऐसा ब्लंडर कर जाएं जो कि आपके टोटल डीएमसी को आप वो अफेक्ट करें। ठीक हो गया फहद? कोई काउंटर अगर है इसके ऊपर सवाल आपको तो आप पूछ लें। मतलब है कि आप देख लें, आप इन चीज़ों के सवाल अपने आप से पूछ लें। अब 6 जनवरी में बहुत ज़्यादा टाइम है, आप इसके ऊपर देख लें। अगर मतलब है कि आपको कोई रीज़न मिला और इसमें अगर आप कोई अल्ट्रेशन पॉसिबल है तो आप कर लें, लेकिन अगर इन सवाल के जवाब आपने फाइंड आउट कर लें तो फिर आप जाएँ, इन्हीं के साथ आप जाएँ। यू आर अलाउड। क्लियर हो गया? अच्छा, इसी तरह किसी और का कोई कम्बिनेशन है? फिजिक्स किसी का है, किसी और का? आपने भी ये देखना है, ये जो मैंने आपको बताया 100 मार्क्स MCQs, 40 MCQs, 100 मार्क्स न्यूमेरिकल्स, वो आपने देखना है। फिर आपने ये भी देखना है कि क्या PMS का जो फिजिक्स का सिलेबस है वो उसी तरह है जो कि CSS के अंदर है कि नहीं, उसमें कोई डिफरेंस है? क्या PMS को जो पास पेपर आता है वो उसी तरह CSS का आता है, वो आपने देखना है। ज्योग्राफी किसी का है? किसी ने ये चूज़ किया हुआ है ज्योग्राफी? यस सर, मैंने चूज़ किया था तो। नहीं, अब आप ये ना, अल्लाह के बंदे, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इस तरह इस देखिए, मैं आपको इनलाइटन कर रहा हूँ, आप इसको ये ना कहें कि मैं आपको डिस्करेज कर रहा हूँ। रीज़न आप मतलब है, आप इन सवालों के जवाब खुद से, आप खुद से पूछ लें कि हाँ यार ये क्या होगा। मुझे तो बताया गया था कि हाँ ज्योग्राफी आप इधर भी है उधर भी है, लेकिन पेपर नाइट को 100 मार्क्स का जो सिलेबस है वो तो बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करेगा। आपको यकीन नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कोई आपको एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन मैं तो बाय एंड लार्ज बात करूंगा, एवरेज बात करूंगा कि पेपर नाइट स्ट्रेटजी बड़ी क्रूशियल होती है। नॉर्मली लोग कहते हैं हाँ 5 पेपर हो गए और ये आखिरी पेपर है, चक्कर चलें बाहर जाके चक्कर लगाते हैं, और वैसे भी लास्ट पेपर है, आके सो जाते हैं। नहीं भाई, जब तक आपका लास्ट पेपर नहीं होता आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेपर नाइट स्ट्रेटजी आपने अगर एक साल एक सब्जेक्ट बार बार पढ़ा हुआ है और रात को अगर आप उसके ऊपर एक नज़र ना दौड़ाएँ तो हाल के अंदर कल आपकी परफॉर्मेंस तो उस तरह नहीं होती। 1-5-6 महीने पहले अगर आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको कैसे याद हो सकता है? तो वो बंदा आप कैसे कम्पीट करेंगे जो पेपर की रात को भी उसी तरह पढ़ेगा? अच्छा, IR कोई इंजीनियर है और जिसने IR चूज किया हुआ है? जौहर तो मेरा स्टूडेंट है। अब आप देख लें इस पैटर्न पे, आप जरा देख लें IR सिलेबस, पास पेपर्स, स्ट्रेटजी आपके पास क्या होगी वो आपने अभी से क्लेरिफाई करना है, क्योंकि PMS CSS के अंदर क्या है मैं आपको बताऊं कि IR का जो PMS का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन वहाँ पे चूंकि 200 मार्क्स है तो वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच किया गया है, सिलेबस को थोड़ा सा स्ट्रेच किया गया है, तो आप इस एलिमेंट को आप जरा जरूर देख लें। अच्छा, अब कोई और बंदा फहद की तरह मुझे बताएं
कि हाँ सर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और ये मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, इस क्लास डिबेट के बाद भी मैं अटल हूँ, मैं कन्विंस हो गया हूँ कि यही मैंने रिटेन करना है। व्हाट इज़ योर गुड नेम? हबीब। सर मेरा मेजर जो है नहीं, आप एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है आपका? इंटरनेशनल रिलेशन है मेरा। कौन सा रिलेशंस? आईआर। अच्छा अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशंस। अच्छा, तो उसी बेस से मैंने एक आईआर सेलेक्ट किया हुआ है उसके साथ। अच्छा, आईआर हिस्ट्री ऑफ यूएसए सर। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस सर। पॉलिटिकल साइंस? यस सर। पश्तो सर। पश्तो? यस सर। एंड फिफ्थ वन इज पेंडिंग सर, अभी सेलेक्ट नहीं किया हुआ। नहीं तो आप मुझे वो बताएं जो कि सेलेक्ट हुआ हो ना, पूरे आप बताएं। लेकिन आपको मैं इतना बता सकता हूँ कि आप सीएसएस में फिर क्या करेंगे। सीएसएस के अंदर तो ये भी 200 का है, पॉलिटिकल साइंस भी 200 का है। यार दी तो पेशावर यूनिवर्सिटी निकल मजाक चल ले कन, आप सिलेबस जरा देख लें। जमा पेशा मेरी कायद अजम यूनिवर्सिटी निकले, उस पर हल नो सिलेबस जरा देख ले दोनों के। जी आप प्लीज। शोर जरा अगर आप बता दें तो बेहतर होगा। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है? अच्छा शाबाश, इम्प्रेस करने की कोशिश की आपने गोल्ड मेडलिस्ट करके। अच्छा पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पश्तो, हबीबुल्ला। आपने दूसरा ब्लंडर ये किया हुआ है कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस ले रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस वाला बंदा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ज़रूर पढ़ेगा। फिर पश्तो आगे, मुस्लिम लॉ। अच्छा आगे, अच्छा तो बस ये ठीक है। पॉलिटिकल साइंस अगर आपका मतलब है कि इंटरनेशनल सॉरी लॉ अगर आपका बैकग्राउंड है, लेकिन आप मुस्लिम लॉ को ज़रा देख लें कि आप सीएसएस के अंदर दोनों लॉस पर ले सकती हैं। नहीं अब आप वो तो अब आप छोड़ें, अब मतलब है कि आपके पास प्लान क्या है कि सीएसएस के अंदर आप दोनों लॉज रख सकती हैं? सर यही कंफ्यूजन है इस वजह से। नहीं वो तो आपको सिलेबस आपको बता सकते हैं, सिलेबस आपने नहीं पढ़ा है। क्रिमिनोलॉजी इजी है तो मैं कह रही हूं कि क्रिमिनोलॉजी की मैं ऑप्ट करूंगी सीएसएस में, और इधर पीएमएस में मैंने ये ज्यूरिसप्रूडेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सर मैंने पॉलिटिकल साइंस की। चलें सीएसएस के अंदर आपका 200 का ये हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपका 100 का हो गया, पश्तो आपका 100 का हो गया, तो यहाँ पे जीरो हो गया, तो ये आपके 400 है। जेंडर स्टडीज, अच्छा तो वो तो यहाँ पे नहीं है पीएमएस के अंदर, वो फिर नहीं है। आगे तो ये आपको तो बड़ा अनडिसाइडेड है। यू विल हैव टू वर्क ऑन द सिलेबस, आप सिलेबस के ऊपर आप काम करें ताकि, क्योंकि अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है ना तो पॉलिटिकल साइंस वाले बंदे के पास तो फिर ऑप्शन बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देख लें, आप मतलब है कि इंटरनेशनल लॉ आप देख लें, आपके पास तो अगर लॉ में आप गोल्ड मेडलिस्ट, आपका कहाँ लॉ आपका कहाँ से? अच्छा तो आप देख लें, शायद आपको वहाँ पर कोई हैंडी मिल जाए, ऑप्शन आपके पास मिल जाए, आप देख लें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देख लें। आप यूएसएससी आप क्यों नहीं ले रही? सर उसने क्वेश्चन सर मुझे लगता है जैसे मैंने पेपर एनालाइज किए 18 के और इससे पहले 16-30 वाले, तो सर पेपर आउट ऑफ कोर्स कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे आउट ऑफ कोर्स करते हैं, यानी पूरे सिलेबस से जो आउटलाइन गिवन है सीएसएस की, और सर पीएमएस की तो आउटलाइन भी नहीं है, प्रिसाइज आउटलाइन नहीं है, तो सर उसके क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन मुझे आउट ऑफ कोर्स करते हैं, यानी करंट इश्यूज से रिलेटेड। नहीं तो आप पीछे एनालिसिस करके उसी को प्रिपेयर करके आप जाएं, आप प्रेडिक्ट करें कि यार इस तरह आउट ऑफ कोर्स इस मैदान में आ सकता है, इन फ्रंटियर्स में आप फ्रंटियर्स डिफाइन करें उस सब्जेक्ट का। लेकिन इस तरह तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये तो मतलब है कि आप वही प्रॉब्लम अब आ रहा है कि फरवरी दिसंबर और फरवरी के दरमियान आगे आपने फिर किस तरह करना होगा। तो ये आप ये डैमेज अभी से क्यों क्यों नहीं कंट्रोल कर रही? एक सब्जेक्ट अगर आपने एक साल के लिए पढ़ना है तो आप मसला ये होता है कि सीएसएस एस्पिरेंट 2 घंटे नहीं दे सकता सिलेबस को, 1 दिन नहीं दे सकता, जो कि आगे उसने 1 साल के लिए पढ़ना होता है। तो आप आज अभी जब आप यहाँ से निकलते हैं तो
तो आप सिलेबस, मतलब है कि आप सिलेबस के ऊपर काम करें। आप बेशक मेरे पास मंडे अर्शद साहब से आप अपॉइंटमेंट ले लें, आप मेरे पास, अगर मेरी स्टूडेंट भी नहीं है, मैं आपको टाइम दूंगा, 5-10 मिनट में आपको दे दूंगा। आप मेरे पास आएंगे, सर मैंने सिलेबस देख के मैंने ये रास्ता अपना लिया है, सो आई कैन इंटरवीन। अच्छा, आपका डिसाइडेड है? Yes, sir. अच्छा, आपका नाम क्या है? नुमान। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड? केमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री। आप बताएं आप? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, मुस्लिम लॉ, मुस्लिम लाद वाले अखिलेदा सर जी ने कोई सब्जेक्ट अलग एंड पश्तो। अच्छा, तो आप देख लें, ठीक है, ओके फाइन, लेकिन सीएसएस में आपका एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री पर 100 का हो जाएगा, ये आपका 200 का हो जाएगा, ये आपका 100 का हो जाएगा, पश्तो आपका 100 का हो जाएगा, तो आप क्या क्या करेंगे फिर? 100 मार्क्स का ऑप्शन मैं तो मैंने लिया है मैं साथ में, ताकि सर आपके साथ कन्विंस करने। क्या करूं मैं? भाई अभी तो मैंने आपको 2-3 घंटे की लेक्चर दिया है, अब आपको पर लगने चाहिए कि आपने किस तरह उड़ान लेनी है, क्योंकि वो तो अब आप देख लें, इस लेक्चर के बाद भी आप कह रहे हैं कि मैंने एक एडिशनल सब्जेक्ट जो वहाँ पे पढ़ना है, क्योंकि अगर आप ट्रूली बिगेनर हैं, इससे पहले अगर आपने सब्जेक्ट के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो वो लैक ऑफ स्टडी ऑफ द सिलेबस हो सकता है कि आपको इंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आप टाइम दे दें, फिर आप सिलेबस को टाइम दे दें, ताकि मतलब है कि आप एक जैसे सब्जेक्ट जो हैं वो आप निकाल लें, क्योंकि एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यहाँ पे 200 मार्क्स का सिलेबस आपके लिए कवर कर रहा है, वहाँ पे 100 मार्क्स का होगा। तो मतलब है क्या करना है आगे से? केमिस्ट्री तो मैंने इतना नहीं पढ़ा है, लेकिन चूँकि मेरा FSC है, तो केमिस्ट्री के अंदर एक आपका ऑर्गेनिक है और दूसरा आपका इनऑर्गेनिक है, तो आप देख लें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर आपका होल्ड है, क्योंकि मास्टर्स में तो अक्सर आप लोग फिजिकल और वो केमिस्ट्री, आप वो आपकी स्पेशलाइजेशन होती है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो आपने वो जो इक्वेशंस होते हैं वो चीज़ें करनी होती हैं, तो मोस्टली तो पेपर आपका वो आता है। आप वैसे यस यस ना कहें, आप पास पेपर्स देख लें और फिर आप यस कहें। नहीं, वो तो आयशा आपके लिए डू मैरिन हो सकता है, उसके लिए कैसे हो सकता है? किस में? ठीक है, मेरा काम तो ये है कि मैं आपको सेंसिटाइज करूं, अगर आप कहते हैं तो बस ठीक है, यू आर राइट। अच्छा, कोई और? अच्छा, नहीं आप तो अब आप अनडिसाइसिव हैं, आप तो पॉलिटिकल साइंस का कह रही थी और अब अभी आप कह रही हैं कि नहीं लेना, आप तो डिसाइडेड नहीं है ना। अच्छा, आप बताएं आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है? साइकोलॉजी। अच्छा, बताएं आप? पॉलिटिकल साइंस, USST, IR एंड साइकोलॉजी। तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस आपको 200 का हो जाएगा, USST आपका 100 का हो जाएगा, IR आपका 0 हो जाएगा, साइकोलॉजी आपका 100 हो जाएगा। तो ये क्या है अब? नहीं, आप लोग बड़े ज़बरदस्त डिस्कशन कर रहे थे PC के ऊपर, लेकिन आपका प्रॉब्लम ये है, यही होता है कि भाई यहाँ पे तकरीरें नहीं चलती, यू मस्ट नो द स्किल्स। बाज़ औक़ात बंदा बहुत अच्छा बोल रहा होता है, लेकिन आपके पास स्किल्स नहीं होता है, आपको पता ही नहीं है कि यार ये CSS किस चीज़ की बला है, ये क्या चाह रहा होता है, तो आप मतलब ये कहते हैं कि हाँ शायद मैं मुकर्रर अच्छा हूँ। सॉरी, मैं आपके कंटेक्स्ट में नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल इस तरह नहीं कह रहा, मैं जैसे जनरल उसमें कह रहा हूँ कि हाँ आप तो बोल रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे होते हैं, जो वहाँ पे आपको जो कम्पिटिटर है वो आपसे एडवांटेज ले रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपने ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करनी है, और कल आप इसी इसके साथ आप आ जाएं, आप सिलेबस को टाइम दे दें, सिलेबस आप पढ़ लें, क्योंकि अगर आप ट्रूली बिगिनर हैं तो आप तो मतलब है कि इसके ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किए, कभी पढ़ा ही नहीं है, तो आप इसमें से चेंजेस जो हैं वो कर सकती हैं। अच्छा, कोई और? तो खोल कर डिलेट रही। अच्छा, आपका नाम क्या है?
तो उसमें स्टूडेंट ने भी सर 35 बैच। अच्छा तो आप इधर आते थे कि ऑनलाइन होते थे? सर कभी ऑनलाइन करते थे। हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ। अर्शद आपके एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है? एलएलबी सर। एलएलबी अब आप बताएं। पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। पश्तो। यूएस हिस्ट्री। यूएस हिस्ट्री। मुस्लिम जुरिस्प्रूडेंस। तो सीएस इसके अंदर ही आप ये दोनों रख सकते हैं सर? इसमें सर जनरल स्टडी तो ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है फिर, आपने किस तरह उसको मैनेज करना है? अक्टूबर नवंबर में अगर आपका पी एम एस का एग्ज़ाम है और फरवरी में आपका सी एस एस का एग्ज़ाम है, तो जेंडर स्टडीज़ को कहाँ पे आपने फिर करना है? नहीं, रखने की मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपको अलाव कर रहा हूँ कि आप रख लें। आप मुझे मेरे साथ शेयर करें अपनी मेथोडोलॉजी कि आपने मतलब है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपने पढ़ने तो 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो अब आप मुझे बताएं कि आपका अगर दिसंबर में आपका पीएमएस एग्ज़ाम है दिसंबर 2021 में, आपका फरवरी 2022 में सीएसएस का एग्ज़ाम है एंड यू आर इन जनवरी 2021, तो आप मुझे बताएं कि आपने जेंडर स्टडीज़ को यहाँ पे रखना है साथ साथ पढ़ना है या आपने उसको टोटली इग्नोर करके इस पीरियड में करना है, क्या करना है? सर मैंने इस माइंड से रखा है कि पहले एक अटेम्प्ट दिया था उसमें मैंने ये जेंडर स्टडी रखा हुआ था। आप मुझे मेथोडोलॉजी नहीं बता रहे, ब्लंडर कर रहे हैं आप। आप अभी भी क्लियर नहीं हैं कि भाई किस तरह मैंने ट्रीटमेंट करनी है। आपको फोकस रखने पर है, मेरा फोकस जो है कि भाई आप मुझे कन्विंस करें कि इस जेंडर स्टडीज़ को आपने कहाँ पे पढ़ना है, आपके आपके जहन में आपके पास वर्किंग प्लान क्या है कि जेंडर, क्योंकि आप पी एम एस के लिए पढ़ेंगे ना, तो पी एम एस के लिए तो आपके सब्जेक्ट्स ही हैं, तो जेंडर स्टडीज़ तो आपका फरवरी 2022 में आएगा, तो आपने जहन में क्या रखा है कि जेंडर स्टडीज़ को आपने कहाँ पर एडजस्ट करना है? सर इसके लिए यही था कि मतलब इसके लिए मैं 10 दिन या एक हफ्ता जो है वो घूम वापस तो एक बार मैंने तैयार किया हुआ है, तो एक हफ्ते या 10 दिन में मैं तो एक साल पहले आपने तैयार किया हुआ था सर, अभी भी एजुकेशन के लिए भी मतलब उसकी तो बस ठीक है। अगर आपके पास ये सबूत है कि हाँ 10 दिन में आप कवर कर सकते हैं, बेशक आप कर लें, लेकिन जहन में रख इतना कॉन्फिडेंस है कि 10 दिन पढ़ के आप इसमें से 60 और 70 स्कोर ले सकेंगे, अगर वो कॉन्फिडेंस आपके पास है बिल्कुल आप ज़बरदस्त कर रहे हैं, लेकिन सोचना होगा आपने पेपर पे बैठ के मेथोडोलॉजी का टेबल पे बैठ के आपने सोचना होगा कि किस तरह आपने करना है। सर, इसके साथ दो और इश्यूज है सर। हाँ सर, एक पॉलिटिकल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में ये स्कोरिंग ट्रेंड की वजह से कंफ्यूजन है कि आईएएस को पीएमएस में रखूं या ना रखूं। किस में? पीएमएस में पॉलिटिकल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो रख लूं, नहीं तो ये सवाल तो आप तब कर रहे हैं कि जब आप मुझे ये कहें कि सर यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस मेरे पास ऑप्शन है लेकिन इसके मुकाबले में ये है, तो वो इसके मुकाबले में मेरे पास ये है, तो क्या मैं स्कोरिंग ट्रेंड की वजह से ये रखूँ या ना रखूँ? मुकाबले में अल्टरनेट नहीं है, मतलब ये फिलोसफी या जियोग्राफी या इस तरह के यूरोपियन हिस्ट्री अगर वो मैं लूँगा तो इस माइंड से चलूँगा कि स्कोरिंग ट्रेंड है, बाकी मतलब ना उसका बैकग्राउंड है और ना उसने जो पढ़ा है, लेकिन ये सब्जेक्ट्स बैकग्राउंड है एलएलबी का और सीएसएस में रखे भी थे लास्ट टाइम भी, तो इसका वो आइडिया। तो जवाब आप खुद दे रहे हैं बैकग्राउंड नहीं है, हाँ बैकग्राउंड नहीं है, वो नहीं है, तो क्या करें फिर? आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट यहाँ पे अप्लाई करना है, आप मेरे मेथोडोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं तो फिर आपके पास मसला क्या है? तो भाई आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट अंदाज में आपने उस सब्जेक्ट्स को आपने प्रिपेयर करना। मैं चाह रहा हूं कि एवरीडे साइंस, क्योंकि मैंने जो लास्ट डीएमसीज देख ली लोगों के जिनके पॉलिटिकल साइंस का स्कोर कम आया था वो उसको ब्लेम कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस को, लेकिन मैंने उसमें देख लिया एवरीडे साइंस के स्कोर को और उसके स्कोर को देखा इस्लामियात का या पश्तो का, तो वहाँ पे मार्जिन उनका कम था, मतलब किसी की 32 आए थे उसमें एवरीडे साइंस में या 14 मतलब। हाँ 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 चले, लेकिन वो जेंडर स्टडीज़ का आप ख्याल रखें जी प्लीज। हाँ प्लीज सर, जेंडर स्टडी को मैं पब्लिक एड से रिप्लेस करूँ? जेंडर स्टडीज़ को अगर आप पब्लिक एड से, तो भाई आप रीज़न बताएं मुझे क्यों आप रिप्लेस करेंगे? सर सिर्फ इस वजह से कि ये दोनों काम बने वहाँ पे, पीएमएस में भी मैं रख सकता हूँ सीएसएस में भी रख सकता हूँ। तो यहाँ पे मुस्लिम लॉ का आप फिर क्या करेंगे? मुस्लिम लॉ सर यहाँ पे तो आपके पूरे हैं। यस सर, तो यहाँ पे पब्लिक एड आप
पब्लिक एड भी आपके लिए नया है, जनरल स्टडीज भी आपके लिए नया है। यस सर, लेकिन दोनों अभी आप देख लें, यही आप ब्लंडर कर रहे होते हैं। अब थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि जेंडर स्टडीज़ में 10 डेज में कवर कर सकता हूं, अब आप बता रहे हैं कि उसकी जगह अगर मैं पब्लिक एड रखूं तो क्या मुझे मतलब उस पुख्तूरत हुए में खूबसूरत हुआ है سبجیکٹ سے 10 روزوں کے پریپیئر کو لے شما اور داغے پہ مقابلہ کے زمین میں زبل سبجیکٹ واخلم تو اس کا مطلب دیر از سم تھنگ رانگ مطلب ہے یو ول ہیو ٹو ورک اپ آپ مطلب ہے کہ آپ کو خود تسلی نہیں ہے تو یو ول ہیو ٹو انویسٹ ان یور سیلیبس کیونکہ آپ مجھے ریزن دے رہے ہیں اتنی آسانی کے ساتھ آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں جنڈر اسٹڈیز میں نہیں اس کی جگہ میں پبلک ایڈ پڑھوں پلیز आपका नाम क्या है? असगर। असगर आप मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, कौन से बैच में? अच्छा 37 में। अच्छा आप बताएं आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है? सिविल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल साइंस, पश्तो, यूएस हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब आप देख लें, यू आर इंजीनियर, पॉलिटिकल साइंस आप देख लें, आपने सिलेबस पढ़ा होगा, आपने पास पेपर्स पढ़े होंगे, आपने अपने आप को तसल्ली दी हुई होगी कि हाँ पॉलिटिकल साइंस मैं कर सकता हूँ। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस ले रहे हैं तो मैं फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर आपसे सवाल नहीं करूँगा, क्योंकि उसके अंदर एडवांटेज ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का किताब आप ना भी लें तो उसके लिए आपकी तैयारी हो जाती है। पढ़ते आप 200 का सब्जेक्ट्स हैं लेकिन वो आपके लिए 300 मार्क्स का सिलेबस जो है वो कवर कर रहा होता है, पॉलिटिकल साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक हो गया। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस होने को तो एक सब्जेक्ट है लेकिन इसके बेसिकली आपने यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। एक है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, प्लीज़ आप बात ना करें। दूसरा जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द थर्ड वन इज फिलॉसफी। या देख लें, अब आप आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स मतलब है कि प्रिंसिपल से मुराद के विद पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस आर नॉट स्टेट सॉवरेनिटी राइट्स ड्यूटीज, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर ऑलमोस्ट 40 कॉन्स्टिट्यूशंस, अराउंड 10 कॉन्स्टिट्यूशंस हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तकरीबन 7, 8, 10 क्वेश्चंस होते हैं। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन और यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में तो शायद 12-15 क्वेश्चंस हैं उसके अंदर, ठीक हो गया ना। लेकिन मैं आपसे रफली मैं आपको बता सकता हूँ कि यार चलें 10 कॉन्स्टिट्यूशन में मैं एवरेज निकाल लेता हूँ कि 6 क्वेश्चंस इन ईच कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कितने हो गए 60। फिलॉसफी मतलब है कि फिलासफर्स तो अब बहुत ज़्यादा डाले गए पोलिटिकल साइंस के इस सेक्शन में, लेकिन यहाँ पे भी हर एक फिलासफर के अंदर 7, 8, 10 क्वेश्चंस हैं। प्लेटो तो होने को एक फिलासफर है लेकिन उसके अंदर आपने प्लेटो का जस्टिस सिस्टम, प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम, प्लेटो का कम्युनिज्म, प्लेटो का आइडियल स्टेट, इसी तरह मैकियावेली के भी हैं, इसी तरह के एरिस्टोटल के भी हैं, लॉक, हॉब्स, रूसो, इन सारे लोगों के हैं। लेकिन मैं एवरेज निकाल लेता हूँ कि 10 अगर आप कर लें और उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाते हैं आपके 50। तो ये कितने हो गए? यू विल हैव टू प्रिपेयर 150 क्वेश्चंस। लुक एट दिस, लुक एट द सिलेबस। मैं ये आपको ये डरा नहीं रहा कि आप ना लें, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं कि प्लान बना लें अभी से, टाइम आप फिर आप जाया नहीं कर सकते। 150, और जहन में आप ये भी बिठा लें कि आप इंजीनियर हैं, आप पॉलिटिकल साइंस ले रहे हैं, आपने उस बंदे का कंपटीशन करना है जिसको पॉलिटिकल साइंस के अंदर मास्टर है, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि किस लेवल की आपने मेहनत करनी है, हाउ टू कम्पीट देम, ठीक हो गया ना। मैं इन्हें कह रहा कि क्योंकि आपके पास तो या तो आप IR लेंगे या पॉलिटिकल साइंस लेंगे या इस तरह के सब्जेक्ट्स लेंगे, लेकिन मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि आप अभी से सुबह क्या किस लेवल की आपने मेहनत करनी है, ठीक हो गया। अच्छा कोई और प्लीज, एहसान। एहसान आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है? पॉलिटिकल साइंस। अच्छा
तो फिर तो आपका पॉलिटिकल साइंस डेफिनेटली होगा। हाँ, पॉलिटिकल साइंस, इंडो पाक हिस्ट्री, मुस्लिम लॉ, पश्तो। तो आप देख लें यहाँ पे एहसान, आप गलती ये कर रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस अगर आप ले रहे हैं तो व्हाई नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? आपने इससे पहले कोई अटेम्प्ट दिया हुआ? कौन सा? 2018। अच्छा, तो उसमें क्या था, आपका कितना स्कोर आया हुआ था? याद नहीं, मैं माता माता पता था क्या ये टूलो था पता बोले गए थे। एहसान, इसका मतलब ये हो गया आपका पॉलिटिकल साइंस कहाँ से है? पेशावर यूनिवर्सिटी से, यहाँ पे। अच्छा, तो भाई आप ऐसा करें कि मुस्लिम लॉ की जगह फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक हो गया ना? इंडो पाक हिस्ट्री क्यों आप ले रहे हैं? किस से रिलेटेड है? अच्छा अच्छा, पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड है क्या? आप पूरी बात करें। तो ये सिर्फ आपको पता है, बाकी लोगों को पता नहीं है? नहीं, आप मुझे रीजन दे दें तो मैं क्यूट अंदाज के ना लूं। एहसान, आप अपने इसके ऊपर बात करें, फिर अब मैं आपको टाइम दूंगा अलग। ये शहजाद साहब, अर्शद साहब आपको टाइम दे देगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं आपको 5-10 मिनट ही दे सकता हूँ, लेकिन मैं डेफिनेटली आपको दूंगा। लेकिन आपने टीक होमवर्क इसके ऊपर नहीं किया हुआ है, इतने नॉन सीरियस अंदाज में। भाई आप देख लें, मैं लोगों को ये कहता हूँ, सीएसएस एस्पिरेंट्स को, कि ये जो आपका फैसला है ना, ये जो एग्ज़ाम है, इसको सिर्फ आप एग्ज़ाम ना दें। आपकी अगली ज़िंदगी कैसी है वो तो अल्लाह जाने, लेकिन कम अज़ कम मैं अगर आपकी जगह हूँ तो मैं तो कहूँगा कि यार, ये जो मैं फैसला कर रहा हूँ ना सब्जेक्ट सिलेक्शन का, इस सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर आपने कैरियर बनाना है। इस सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर आपने आगे से 30-40 साल की ज़िंदगी गुजारनी है। तो इतना नॉन सीरियस हो के आपने इस तरह नहीं करना। अच्छा, उर्दू में प्रॉब्लम था, मतलब पश्तो में तो आप बड़े बोल्ड निकले। मेंटर कौन है आपका? क्या कमाल करते हैं आप। नहीं, एहसान आप कमाल कर रहे हैं, उसके पास टाइम होगा नहीं होगा, शायद वो आपको बताएं कि यार मैं थका हुआ हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, वो ऑफिस में बैठा हुआ है। तो आप क्या कर रहे हैं कि उस वो आपके और इंडो पाक में वो आपका क्या हेल्प आउट करेगा? एक सर सैयद अहमद खान है, दूसरा शाहुल्ला है, 2-3 सवाल हैं, वो तो आप अपनी तरफ से, वो आपका क्या हेल्प आउट करेगा? ये कोई फिज़िक्स है, कोई केमिस्ट्री है, या मतलब है कि कोई फिलॉसफी है, क्या है इसमें आपको क्या हेल्प आउट करेगा? वो आप ख़ुद से भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को क्लियर कर दें इसके ऊपर। अच्छा, कोई और? ये लास्ट स्पेसिमन मैं ले रहा हूँ, प्लीज़। व्हाट इज़ योर नेम? इकराम। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब आप बताएं मुझे, IR, USST, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पश्तो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉरेस्ट्री। चलो, बुनियर को नहीं? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, चलें ये ठीक हो गया। मैं सोच रहा था शायद ये 700 के हैं, लेकिन ये तो 600 है। क्या हो जाएगा? मतलब है कि ये आपका IR यहाँ पे 200 का हो जाएगा, USST आपका 100 का हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल आपका 100 का हो जाएगा, पश्तो आपका 100 का हो जाएगा, पब्लिक एड आपका 100 हो जाएगा, और फॉरेस्ट्री आप पे ना रखें। आप इस तरह सोच रहे हैं? अच्छा, ओके। तो व्हाई IR?
मुकम्मल तौर पे के खड़े हो आई आर के अंडरस्टैंडिंग आपको है चले ओके व्हाई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्यों क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ये तस्वर किया जाता है कि ये लो स्कोरिंग है और ये मैं भी आपको बता सकता हूँ हाँ मैं आपको अगर आपका है तो मैं आपको टेक्निक बना सकता हूँ कि अगर लो स्कोरिंग भी है तो वो कौन से एरियाज हैं जिसके ऊपर अमल करके आपने ज़्यादा स्कोरिंग इसको बनाना है ठीक हो गया ना लेकिन ये तस्वर किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो थोड़ा सा लो स्कोरिंग है ठीक हो गया और बाकी आपने प्रसिस इसके अंदर इस तरह जाना है कि आपने फॉरेस्ट्री पर नहीं पढ़ना यहाँ पर तो आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप ये फॉरेस्ट्री वाला गेम आप निकाल लें वो कोई ऐसे सब्जेक्ट आप अंदर कर लें क्योंकि दोनों पे आप वो हो जाएगा क्योंकि अगर आप इस तरह कर लेते हैं एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री अगर आप ले लें और इसको अगर आप हटाएँ तो दोनों का आपका रेप्लिकेट हो जाएगा मैं आपको डायरेक्ट नहीं कर रहा मैं जस्ट आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ मैं किसी को भी यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर रहा मैं जस्ट आपको इनलाइटन कर रहा हूँ फिर आगे जाके ख़ुद आप सोच लें तो इस पैटर्न पे आप ज़रा देख लें कि क्या पैरामीटर्स आपके लिए डेवलप होते हैं नहीं इकराम अभी तो आप कह रहे थे कि आईआर के ऊपर मेरी इन्वेस्टमेंट है अच्छा इस तरह आप कर सकते हैं ये आप ड्रॉप कर लें और इसको आप इंक्लूड कर लें तो आपका टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा हाँ आईआर का मैं इतना बता सकता हूँ वैसे बाय द वे आईआर का मैं ये बता सकता हूँ कि आईआर के सिलेबस में इसके मुकाबले में अगर पॉलिटिकल साइंस है तो आईआर के सिलेबस में आप अगर 40 क्वेश्चंस कर लेते हैं ना तो आपका काम हो जाता है क्योंकि मसला ये है वैसे तो आईआर का सिलेबस भी उतना ही है लेकिन आपका जो आईआर का जो 40 के अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो वैसे भी आप करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे वो आप पाकिस्तान अफेयर्स में पढ़ेंगे वो आपको शायद अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर भी वो आ जाता है लेकिन सबसे जो बड़ा टेंशन है आईआर के अंदर जो आपके लिए भी टेंशन हो सकता है वो ये है कि थ्योरीज अगर थ्योरीज आपके वीक हैं तो मतलब है कि आपके लिए पूरा आईआर जो वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि रेस्ट ऑफ द आईआर तो जस्ट नरेशन है करंट अफेयर्स हैं जो चैलेंज जो आपके लिए देता है वो आपके हैं आपके थ्योरीज ऑफ आईआर जवेरिया प्लीज़ आप बताएं आपके क्या हैं आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है जूलॉजी तो आपका क्या है पब्लिक एड आईआर जूलॉजी यूएसएसटी पश्तो तो आप देख लें पब्लिक एड आपका यहाँ पे भी 100 का हो जाएगा आईआर आपका 200 का हो जाएगा जूलॉजी सीएसएस के अंदर 100 का है अच्छा यूएसएसटी आपका 100 का है पश्तो आपका 100 का है लेकिन एक जूलॉजी का स्टूडेंट जो है वो आईआर को कैसे पढ़ेगा तो आपके पास क्या सोचा हुआ है आपने सिलेबस देखा हुआ आपने पास पेपर्स देखा हुआ प्लान आपने बनाना होगा कि किस तरह आपने इसको टैकल करना है जूलॉजी का वही है कि 200 मार्क्स का सिलेबस है लेकिन चले आपका चूँकि बैकग्राउंड है इसके अंदर आपकी डिग्री है तो आप शायद मैनेज कर लें कि वो आपका 100 के लिए वहाँ पर पढ़ें ठीक हो गया ना दिस सीम्स गुड इन दिस कॉन्टेक्स्ट आपका है आप चेक करवाना चाहते हैं अच्छा तो अब आप डिस्कस कर लें ना अब आप कंक्लूजन निकाल लें आपके पास क्या है आप बताएं नहीं आप पीएमएस की बात करें नेक्स्ट एग्जाम तो आपका पीएमएस का आ रहा है हाँ पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पश्तो जेंडर स्टडीज पीएमएस में तो जेंडर स्टडीज़ नहीं है यूएसएसटी अच्छा तो ये आपका यहाँ पे 200 का हो जाएगा ये आपका 100 का हो जाएगा 100 का हो जाएगा ये भी 100 का हो जाएगा तो एक तो आपको दोनों तरफ मिसिंग है
तो अब आप देख लें जी। हाँ तो फिर आपका ठीक है। और आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है? फॉर्म डी, ठीक है। तो आप तो मेरे बड़े सीनियर स्टूडेंट्स हैं। कौन सा बैच से थे आप? मेथडोलॉजी 24। तो अब ये बड़ा अफसोस की बात है कि 24 का बैच ऑलमोस्ट एक साल पहले के आप मेरे स्टूडेंट हैं और अभी तक आपका ये अनडिसाइसिव है। तो ये तो 12 वर्ष फेसबुक के नाश्ते और जो खुदी गुरम जमान हम से हुआ। अच्छा आपको प्रॉब्लम है? आपको क्यों प्रॉब्लम है? अच्छा यासीन तो उस जमाने तकड़ा स्टूडेंट यार था तो वाली से चल गए नो खैर दे। ओहो फेल की गई खल क्लासे में फेल की गई। हमारा जो टॉपर था वो उससे पहले के एग्ज़ाम में फेल था, उसके बाद के एग्ज़ाम में भी फेल था, और हमारे इस साल जो है वो टॉपर था। तो होता रहता है। अच्छा आप क्या है आपका यासीन? आप उर्दू में बात करें यासीन? नहीं अभी आप पीएमएस की बात करें ना, हम तो डिस्कशन पीएमएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो वो क्या है? वो आईआर है, यूएसएसटी है, पश्तो है, मुस्लिम लॉ है। तो वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, वो तो आपने मुझे बताना है। अब आप देख लें यासीन ये एग्ज़ाम में अपीयर भी हो चुका है, लेकिन वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ सीएसएस के अंदर अपीयर हो गया था, बेचारा अब कंफ्यूज है। तो वो कह रहे हैं कि वो मेरे जो सीएसएस जिसके अंदर उसने अटेम्प्ट दिया हुआ है वो यहाँ पे मेरे 400 मार्क्स कवर कर रहा है। वही गलती जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये बड़ी दर्दनाक होती है फिर आगे जाके कि यार अब मैं क्या करूँ यहाँ पर। एक 100 तो आप वैसे भी कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर गैप आपको दोनों की तरफ 200 का आ रहा है तो वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है फिर। तो यासीन आपने क्या सोच रखा है इसके लिए? तो ज्योग्राफी आपका यहाँ पे 200 का हो जाएगा, वहाँ पे 100 का हो जाएगा। तो मतलब है कि तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ज्योग्राफी का मैंने सोचा हुआ है? तो पश्तो तो मैं आपको नहीं करूँगा, क्योंकि मैं मतलब है कि पश्तो तो आपको नहीं कह सकता कि आप सीज के अंदर आप पश्तो ना लें। उसको तो बड़ा क्रूशल रोल है पीएमएस के अंदर। सो यासीन यू विल हैव टू वर्क ऑन सिलेबस। जाहिद आप बताएं लास्टली, पता नहीं ये लास्ट कब आएगा। आईआर, यूएसएसटी, पब्लिक एड, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड पश्तो, तो बस ठीक है। हाँ यो रो के आप तो वैसे भी अटेम्प्ट भी दे चुके हैं। चलें हो गया भाई, ये पैरामीटर्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आई होप ये मतलब है कि हेल्प आउट करेगा आप लोगों के लिए। फिर भी आपके पास टाइम है, आज क्या तारीख है? 2nd, 4 दिन है। अगर मेरे पास इंडिविजुअली सब्जेक्ट सिलेक्शन डिस्कशन के लिए अगर आप लोगों ने आना है तो काइंडली एम्प्टी माइंड अगर आएंगे तो मैं आपको 1 सेकंड भी नहीं दूंगा। आपने मुझे टॉकिंग पॉइंट्स देने हैं, क्योंकि अभी आपने मैंने पूरा आप लोगों को अप्राइज किया। अगर कोई आता है तो वो देख ले वहाँ पे पहले, लेकिन फिर भी मैं आपको टाइम दूंगा। अगर आप समझते हैं कि मैंने 5 मिनट्स आपके कैरियर का इतना बड़ा डिसीजन जो है वो आपको हेल्प आउट कर सकता है, तो आप देख लें इसी चीज़ों को आप मद्देनज़र रखें और आप अपने ऑप्शन सब्जेक्ट से। आप इब्राहिम आपका तो मसला नहीं है? अच्छा तो इब्राहिम आप सिलेबस दोनों देख लें आज, ठीक हो गया ना? आप सिलेबस देख लें सीएसएस का भी और पीएमएस का भी, और इसी तरह की बात करें जैसे आपके कोलीग्स ने बात की है, सारों ने शेयर किए हैं, बात भी हुई है, तो उनको पता भी चल गया कि हाँ हम ब्लंडर क्या कर रहे हैं। ठीक हो गया जी? क्या आई डोंट नो एग्जैक्टली उसको क्या होगा, वो मतलब है कि वो आपके जो फॉर्म कंक्लूड हो जाएंगे तो मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो आपके लिए बना लूँगा कि स्क्रीन टेस्ट के लिए आप लोगों ने तैयारी कैसी करनी है, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर लूँगा।
अच्छा लास्टली किसी का सवाल तो नहीं है? अगर है तो आप बताएं, आपका है सवाल जी प्लीज। वो आपने अरशद साहब से बात करनी है। कल तो ऑफ है, तो मंडे ट्यूसडे आप पे कब आ रहा है? वेंसडे लास्ट डे होगा, वेंसडे। हाँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कोई और भी अगर आपके लिए थोड़ा सा 2-3 घंटे का सेशन रख लूँ। हाँ तो मैं देखता हूँ कि आप लोगों का क्या है, अगर कोई जेन्युइन इश्यूज अगर आपके हैं तो फिर मैं आपको दूंगा, लेकिन अर्शद साहब से आप बात करें, वो आपको टाइम देगा। हाँ तो वो आप फिर बेशक डिस्कस कर लें। मुदसर कन्फ्लिक्टिंग आते हैं, ओवरलैपिंग आते हैं। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है? अकाउंटिंग। अच्छा तो स्टैटिस्टिक का सिलेबस आपने देखा है, तो क्या मिला वहाँ पे आपको? नहीं तो क्या मिला आपकी, क्या एनालिसिस क्या है फिर? अच्छा चले मुदसर मैं आपको टाइम दूंगा, क्योंकि आप मेरे बड़े मुदसर, मेरा बड़ा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, मैं आपको टाइम दे दूंगा। कोई और सवाल किसी और को? प्लीज़ आप इन्हीं चीज़ों को जहन में रख लें, और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया। चलें आपने जब डिसाइड कर लिया तो इस यूट्यूब के ऊपर मेरा एक वीडियो है, 5 ब्रिज अप्रोच। आप जिस बंदे ने वो वीडियो नहीं देखी है, आपको CSS एग्ज़ाम के नेचर का पता चल ही नहीं सकता, CSS एग्ज़ाम का या PMS के एग्ज़ाम का, आप यकीन कर लें, आप देख लें आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन मसला ये होता है कि आप लोग टाइम नहीं देते, आप वैसे टाइम ज़ाया कर देते हैं लेकिन 20 मिनट्स वो आप नहीं देख सकते। इसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि भाई मेथडोलॉजी क्या, मेथडोलॉजी अडॉप्ट करके आपने रीडिंग करनी है। उसके मैं आपको क्विकली बता भी देता हूँ, उसका जिस्ट मैं आपको बता देता हूँ। मैं कहता हूँ चले मैं आपको ये बता देता हूँ क्विकली, मैं वो 5 ब्रिज अप्रोच वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो ये है कि आप सारे लोग जो हैं, मतलब है कि हम अब सिचुएशन ये बना लेते हैं कि आप लोगों ने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स डिसाइड कर लिए, नाउ हाउ टू गो, क्या करें आप, तो वो मैं आपको बता रहता हूँ। आप लोग यहाँ पे हैं और आप लोगों ने यहाँ पे पहुँचना है, यहाँ पे आप एस्पिरेंट्स हैं और यहाँ पे फिर आप ऑफिसर बन जाएंगे, CSS ऑफिसर बन जाएंगे, PMS ऑफिसर आप बन जाएंगे। तो मेरा फिलॉसफी ये है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए आपने 5 ब्रिज क्रॉस करने होंगे, तो तभी आप ऑफिसर बन सकेंगे। अदरवाइज आपको कोई चीज़ जो इससे अलग है वो आपको मिसगाइड करेगा, और वो मतलब है कि आपका करियर नहीं बना सकता। उससे पहला जो ब्रिज है, पहला ब्रिज, उसको मैं कहता हूँ रीडिंग। मैं लोगों को कहता हूँ कि भाई सबसे पहला काम आपने ये करना होता है, जब आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स डिसाइड हो गए हैं तो भाई आप अब आपने रीडिंग करनी है। रीडिंग क्या, किस चीज़ की करें? सिलेबस की आप रीडिंग करें, जो आपका पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस है, जो आपका पश्तो का सिलेबस है, आप वो ज़रा देख लें, ठीक हो गया ना। और सिलेबस के साथ साथ आपने उस सब्जेक्ट के पास पेपर्स देखने हैं। इसको मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए, यू विल हैव टू रीड यूअर सिलेबस इन द लाइट ऑफ पास्ट पेपर्स, और आपने रीडिंग करनी है, ठीक हो गया। लेकिन मैं लोगों को ये कहता हूँ कि भाई नॉर्मली आप लोग ये करते हैं कि आप लोग कहते हैं वो बड़ा ज़बरदस्त रीडर है, लेकिन अगर आप सिर्फ रीडर हैं ना, आप मेरे पास आते हैं कि सर मैंने तो बड़ी कमाल की रीडिंग की है,
तो क्या मैं ऑफिसर बन जाऊंगा? मैं उनको कहूंगा कि भाई रास्ता बहुत ज़्यादा है, 5 ब्रिज में से अभी आपने सिर्फ 4 ब्रिज ही क्रॉस किए हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ यू विल हैव टू क्रॉस अनदर ब्रिज। और वो दूसरा ब्रिज किस चीज़ का है? पॉइंट्स मेकिंग का। पॉइंट्स मेकिंग का ये है, मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि वो CSS एस्पिरेंट ही नहीं है, कि अगर वो रीडिंग कर रहा है लेकिन साथ में वो पॉइंट्स मेकिंग नहीं बना रहा, वो नोट्स मेकिंग नहीं कर रहा, किताबों से नहीं होगा। किताब को पढ़ के आपने अपने आप के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं अपने सिलेबस का, ठीक हो गया? अच्छा, अब एक बंदा है वो कहता है कि सर मैंने तो कमाल की रीडिंग भी की और आप ये देख लें, मैंने हर एक सब्जेक्ट को ये मैंने पॉइंट्स मेकिंग किया और ये मैंने 20-30-40 पेजेस में इसको रिड्यूस कर लिया है, मैं CSS कर जाऊंगा? वेरी सॉरी, अभी आपको आगे जाके और ब्रिजेस भी आपको रहते हैं, जिसमें से तीसरा ब्रिज जो है वो आपका है रिविजन, रिवाइज एंड रिवाइज योर सिलेबस जो आपने रीड किया हुआ है। 12 सब्जेक्ट्स हैं। बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उसको मैनेज किस तरह करना है। एक सब्जेक्ट के ऊपर आप फोकस कर जाते हैं, 1 महीना गुजर जाता है, 2 महीने गुजर जाते हैं, 11 सब्जेक्ट्स आपके इग्नोर हो जाते हैं, उनको जब आप उठाते हैं तो ये वाला आपका इग्नोर हो जाता है। तो स्ट्रेटेजी आपने कुछ इस तरह रखनी है कि पूरा साल आपने 12 सब्जेक्ट्स को इस तरह लेके जाना होता है ताकि आप 12 के 12 सब्जेक्ट्स जो हैं रीडिंग के बाद आप उसको प्रॉपरली रिविजन के लिए उसको आप टाइम दे सकें। अच्छा, अब एक बंदा है वो मेरे पास आता है कि सर मैंने तो बड़ी कमाल की रीडिंग भी की है और मैं ओके भी करता हूँ कि हाँ ज़बरदस्त। वो कहते हैं कि मैंने आप देख ले पॉइंट्स मेकिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है, मैं भी कहता हूँ शाबाश। अब वो कहते हैं कि सर आप देख ले एक सब्जेक्ट में 2 घंटे में रिवाइज कर सकता हूँ, इतनी मेरी ज़्यादा रिविजन है, ठीक हो गया ना? और मैं कहता हूँ कि भाई आउटस्टैंडिंग, लेकिन उसके बाद भी मैं उसको नहीं कह सकता कि अभी आप ऑफिसर बन जाएंगे, क्योंकि इससे आगे जो सेकंड लास्ट ब्रिज आ रहा है दैट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग वन। और वो ऐसा ब्रिज है कि यहाँ पे इन 3 ब्रिजेस के ऊपर अगर मैं आपको 100% मार्क्स भी दे दूँ, 100% मार्क्स भी आपको दे दूँ, लेकिन अगर आपको ये ब्रिज आपका वीक है, सेकंड लास्ट ब्रिज, आप यकीन कर लें आप फेल भी हो सकते हैं। और यही आप लोगों का प्रॉब्लम होता है जो बार बार मैं आपको मेथडोलॉजी का कह रहा हूँ। और वो ब्रिज क्या है? इस ब्रिज का नाम है टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस इन द पास्ट पेपर्स। आप लोगों को पता नहीं होता, आपने किताब उठाई हुई है और आपने तकिया लगाया हुआ होता है कि हाँ यार ये पढ़ के मैं CSS बन जाऊँगा, आप तो प्रिपेयर्ड ही नहीं है कि इस सब्जेक्ट के ऊपर सवाल किस तरह आते हैं, आपने तो उसको जज ही नहीं किया होता पहले से। तो आप लोग कहते हैं कि हाँ यार, तो वहाँ पे सवाल आता है, सवाल को आप पढ़ते हैं हाल के अंदर, तो आपको यूँ लग रहा है कि यार ये तो मैंने सर से पढ़ा नहीं है, हालांकि उसके लिए शायद आपने पढ़ा हो लेकिन आपने पहले से पास पेपर्स के ऊपर काम नहीं किया होता। तो आपको फिर पास हाल के अंदर बैठ के आप क्वेश्चन को मिस जज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को जब आपने मिस जज कर लिया, 3 आवर्स है, ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर आप ज़ाया हो गया, आपके 20 मिनट भी आपके ज़ाया हो गए, तो भाई मुकाबला बड़ा सख्त है। आपके पास जो दूसरा बंदा बैठा हुआ है उसने पास पेपर्स के ऊपर पहले से काम किया हुआ था, वो आपसे एज ले जाएगा, वहाँ पर जो आपका टोटल ऑफ DMC है उसमें से वो आपसे नंबर ले उड़ेगा, आप पीछे रह जाएंगे। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रिज। और वो क्या है कि हर एक सब्जेक्ट के लिए आपने पास्ट पेपर्स पढ़ के आपने जाना होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे माइक खड़ा होके, चले मेरे पास तो अचीवमेंट्स हैं, मैं CSS ऑफिसर हूँ, मैं PMS ऑफिसर हूँ, इतने अलकाबात में लगा सकता हूँ अपने साथ, लेकिन हूँ तो इंसान, इम्प्रेशन बनाना होता है। शायद आप सारे देख भी रहे हैं कि हाँ यार ये बंदा तो चलें कोट लगा के एक ऑफिसर बना हुआ तकरीर कर रहा है, तो आप तो मेरी बात को मान रहे हैं, तो मैं तो आपको डांट भी कर सकता हूँ, मैं तो झूठ भी बोल सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पास पेपर्स कभी भी आपको डॉज नहीं कर सकता। बल्कि आप मुझे कहेंगे कि सर ये आप क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो आप मजाक कर रहे हैं, वहाँ पे आप देख लें पास पेपर्स में आता क्या है। तो पास पेपर जो है वो आपको ट्रैक पे अगर लेके आएगा CSS का, जो CSS एग्ज़ाम का जो नेचर है, अगर आपने कहीं से पता चलवाना है तो आप ना मेरे पास आएँ ना किसी और अकेडमी में जाएँ, अपना टाइम ज़ाया ना करें, अपने पैसे ज़ाया ना करें, इन्वेस्ट दैट टाइम इन द पास्ट पेपर्स, आपकी आंखें खुल जाएगी कि यार ये एग्ज़ाम है क्या, लेकिन नहीं करते आप लोग।
इतने मेरे स्ट्रेस के बावजूद भी आप में से बहुत एक दो तीन लोग कर लेंगे, बाकी आप लोग कहेंगे कि यार यार बंदे ने बड़ी तकरीर की थी, लेकिन देख लेंगे, ये हर कोई इस तरह कहता है। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो लास्ट ब्रिज है दैट इज पेपर प्रेजेंटेशन। इतने एक साल जो आपने पढ़ा है, तो क्या कभी आपने इस चीज़ के ऊपर सोचा हुआ है यार इतना एक साल की जो पढ़ाई है वो 3 आवर्स में आपने किस तरह ट्रांसफ़र करना है उस 20-25 का जो शीट है उसके ऊपर? ये तो इस तरह तो नहीं है। आप ज़बरदस्त आपकी रीडिंग है, आपकी ज़बरदस्त प्रिपरेशन है, लेकिन अगर आपका ये स्किल नहीं है ना हाउ टू पुट दैट मटेरियल इन द फ्रेमवर्क ऑफ द क्वेश्चन, सॉरी आप मतलब है कि प्रॉब्लम आपको हो सकता है, बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम आपको हो सकता है। क्लियर हो गया? तो ये मतलब है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद ये आपकी स्ट्रेटजीज और ये आपका वो होना चाहिए। क्लियर हो गया? चलें, विश यू ऑल द बेस्ट जी। नहीं, ये तो अभी अभी तो आपके ऑप्शंस डिसाइडेड नहीं है, तो उसका क्या फ़ायदा? देखोगे ना, ये तो मैं आपको कह रहा हूँ कि बाद में आपका ये फैसला हो सकता है। चलें, विश यू ऑल द बेस्ट। आप प्लीज़ पहले ना निकलें, ये फीमेल्स पहले निकल जाएं अपने स्टॉप रूम, तो फिर आप लोगों ने निकलना है। तालक बंद कर, असम को बंद देगी तालक, दर्जी चल। आप प्लीज़ सर,